नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द टॉक शो में। आज हमारे साथ जुड़े हैं गणपत सिंह जी राजपुरोहित सर। सर हिस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एक लेखक हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। सर के द्वारा पढ़ाए हजारों बच्चे आज गवर्नमेंट जॉब में कार्यरत हैं तथा लाखों बच्चे ऑनलाइन व ऑफलाइन तरीके से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस वीडियो में हमने बात की है सर की जर्नी के बारे में, कैसे एक छोटे से गाँव व मिडिल क्लास फैमिली से निकलकर सर ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, और बात की है एक आइडियल स्टूडेंट के बारे में, एक आइडियल स्टूडेंट को कैसे पढ़ना चाहिए, कि उसका क्या रूटीन होना चाहिए, किन किन बातों का उसको ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी चीजें आज से ऐसी है जो उसे नहीं करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बना है। इस वीडियो से जुड़े रहें और आगे देखते रहिए। तो स्वागत करते हैं गणपत सिंह जी राजपुरी सर का। तो गणपत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर्वप्रथम आपका भी शुक्रिया कि आपने अपने मंच पे मुझे आमंत्रित किया ताकि मैं अपनी बात है वो विद्यार्थियों तक पहुंचा सकूं और अपने अनुभवों के सहारे विद्यार्थियों को लाभान्वित कर सकूं। जी सर। तो सर से शुरुआत हम आपके परिचय से करेंगे, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, स्कूल लाइफ के बारे में। जैसे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में सब लोग बताते हैं, आपने बताया भी है सब कुछ अपनी जर्नी के बारे में, और स्कूल लाइफ के बारे में बताइए। स्कूल में जैसे बैक बेंचर थे, फर्स्ट बेंचर थे, थोड़ा उस बारे में बताइए स्टार्टिंग। विद्यालय की अगर मैं बात करूँ तो मैं फोगेरा में पढ़ता था, मेरा गाँव है जो बॉर्डर साइड में है, वर्तमान में गडरा रोड तहसील में है। क्योंकि आपको पता होगा गडरा तो पाकिस्तान में चला गया, वहां से जाने वाली रोड आजकल गडरा रोड नाम से जानी जाती है। तो वहां पे हम जब पढ़ते थे, अभी तो वो सीनियर सेकेंडरी हो गया है जी। जब हम पढ़ते थे उस समय वो आपके अपर प्राइमरी था, आठवीं तक था। तो उस समय हमारे स्कूल्स में ऐसे कोई फर्नीचर वगैरह थे नहीं, तो जैसे ही स्कूल जाते थे तो हम जहाँ भी जगह मिलती थी वहाँ बैठ जाते थे। क्योंकि उस समय का मुझे अच्छे से याद है कि घर से जब हम रवाना होते थे तो हमें चप्पल इसलिए नहीं दिए जाते थे कि कहीं खो के आ जाओगे विद्यालय में, है ना। तो फिर हम उस हिसाब से घर से भागते थे। तो सुबह सुबह तो चले जाते थे आराम से, जब वापस आते थे तो आपको पता है बाड़मेर की तपती धूप, तो फिर हम ऐसे बहुत तेज स्पीड से भागते थे और एक पौधे से दूसरे पौधे तक गति बरकरार रहती थी ताकि वो पाँव ज्यादा जले नहीं और पहुंच भी जाए। तो बेंचेस वाली बात तो हमारे यहाँ रहती नहीं, क्योंकि वहाँ बेंच ही नहीं थी पहली बात, और दूसरा ये था कि हम दीवार के सहारे बैठने का प्रयास करते थे ताकि 6-7 घंटे आराम से वो सहारा लेके बैठ सके। वैसे आगे कभी नहीं बैठा, मैं सहज नहीं होता हूँ आगे ऐसे, क्योंकि आगे शिक्षक का ध्यान भी रहता है ऐसा हमें लगता है, लेकिन जबकि शिक्षक का ध्यान तो पीछे रहता है। लेकिन उस समय हमें ये लगता था कि टीचर का ध्यान आगे रहता है, कहीं प्रश्न न कर ले इसलिए पीछे जाके बैठते थे। तो बड़ा अच्छा सा था वो, बिल्डिंग बड़ी शानदार थी उस समय, लगती थी भय सा लगता था, एक बड़ी अनुशासित लाइफ थी उस समय, और कुछ भी नहीं था मस्तिष्क, बड़ा साफ मस्तिष्क था उस समय। ये दौर भी नहीं था, मतलब आज जो सोशल मीडिया है, जो रील की दुनिया है, ऐसा कुछ था नहीं। बस सुबह गायों को पानी पिलाया और खेत के लिए रवाना किया, और उसके बाद खुद तैयार होके स्कूल आ जाते थे, और बीच में फिर पास में घर था तो इंटरवल में घर खाना खाने आते थे, वापस आ जाते थे। तो ये बड़ा अच्छा सा चल रहा था। लेकिन खास बात देखिए, आठवीं तक हमें कुछ पता नहीं था। मुझे 95 की एक छोटा सा वाक्य मुझे अभी याद आ रहा है। 95 का इसलिए याद आ रहा है कि पहली बार गुरुजी कॉपी चेक कर रहे थे तो उन्होंने कहा डेट लिख, डेट तो सर मुझे आती नहीं, तो गेस तो फिर ये क्या लिखा है। तो मैंने क्या, मेरे किसी साथी की कॉपी से लिखा था 95, आगे का महीना याद नहीं, साल मुझे याद रह गया। तो मेरे को कहा ये क्या लिखा, मैंने कहा ये इसने लिखा इसलिए मैंने लिखा है, तो ये है क्या, मैंने कहा मुझे ये नहीं पता क्या है। अब आप सोचिए 95 की, उस समय मैं वैसे तो बड़ा नहीं था, उस समय मेरी कोई 3री-4थी क्लास रही होगी शायद, उस समय तक हमें तिथि का भी पता नहीं था, तो आप सोच सकते हो कितना सुलझा हुआ बचपन रहा होगा। तो आठवीं तक हम वहीं पढ़े थे, तो बढ़िया अच्छा सा था, एकदम अनुभव था। फिर आठवीं के बाद सर, फिर आठवीं होने के बाद में हमारे सामने बड़ी चुनौती रहती थी जी। 9th क्लास के लिए पास में अगर दूर दराज गाँव में जाते थे तो साइकिल लेके जाना पड़ता था 15 किलोमीटर दूर स्कूल से दूसरे, और शहर अगर जाए तो शहर में रहने की इतनी व्यवस्थाएं उस समय थी नहीं। एक हॉस्टल था तो 2 रूम थे, उसमें भी खाना बना के खाना पड़ता था, तो घर वाले विश्वास नहीं करते थे। फिर मुझे भेज दिया गया था जालोर वहाँ पे। अच्छा। तो 9th-10th मैंने जालोर किया वहाँ पे, जालोर में क्या कोई फैमिली थे, मेरे रिलेटिव रहते थे। अच्छा। तो एक साल तो मैं उनके साथ में रहा जी, और एक साल मैं जालोर हॉस्टल में रहा था जहाँ पे अच्छी खासी व्यवस्थाएं थी, तो वहाँ पे गया। बट वो मेरा, मेरे जीवन का सबसे वो कह सकते हो डार्क केस थी वो। अच्छा। क्योंकि एक तो मैंने पहली बार घर से बाहर में पहली बार निकला था,
मेरी ट्रेन की यात्रा भी पहली थी वो, जी क्योंकि पहले बाड़मेर से भेलड़ी एक ट्रेन जाती थी, हाँ वो मीटर गेज हुआ करती थी, अच्छा आजकल तो ब्रॉड गेज बन गया, जी, और वो मीटर गेज हुआ करती थी। तो मैं पहली बार ट्रेन की मैंने यात्रा करी, उस समय 13 रुपये कुछ टिकट हुआ करती थी, अच्छा और फिर शाम को 8-9 बजे ट्रेन रवाना होती थी, सुबह 4 बजे 5 बजे पहुंचती थी, जबकि इतनी दूरी नहीं, आजकल तो हाँ, दो घंटे दो में लोग घंटे में ज्यादा आराम पहुंच से, जाते हैं, आराम से हम 4-5 बजे पहुंचते थे वहां पे। तो वो जी। मेरा पहला एक्सपीरियंस था। फिर जब मैं हॉस्टल गया तो बिल्कुल सहज नहीं हो पाया, क्योंकि जालौर की जो भाषा है वो अलग है, पूरे अलग है वो पूरी अलग बोलते हैं, अपनी हम बोलते हैं मारवाड़ी। जी अच्छा, हिंदी आती नहीं थी, जी उस टाइम अब कम्युनिकेशन की बड़ा एक बैरियर खड़ा हो एक गया बन गया कि अब बात किस में करें। तो फिर मैं बात नहीं करता था, चुपचाप बैठा रहता था, क्योंकि ना मुझे उनकी भाषा आ रही, उनको मेरी भाषा मेरे नहीं आ रही। पास। तो ये भी मेरे लिए बड़ा वो था कि कैसे एडजस्ट करें इनके साथ में। और तीसरा ये था कि उन लोगों की जो लाइफ स्टाइल थी, जो वहाँ पहले से रह रहे थे, जी उनको मैं कवर कर नहीं पा रहा था। लाइक मैं बताऊँ आपको, जैसे सुबह उठ ब्रश करते हैं, तो हमने तो गांव में नहीं किया नहीं अभी नहीं तक, गांव में हमें पता तो ही नहीं था कि ये मामला है क्या। एक और इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मैं अभी फ्रैंक अगर बात करूँ, जी तो हम जैसे अंडरगारमेंट्स जो भी जी जी इनर वियर्स होते अंदर हैं, हाँ अब ये मुझे वहां जाके पहली बार पता चला कि ये भी कुछ होता है, कुछ क्योंकि गांव में तो ऐसा कुछ नहीं था, नहीं सिस्टम था ही ऐसे नहीं। नहीं है निक्कर पहन के जाते थे, और वो भी फटती थी तो पीछे कारी लगा दी जाती लगे। थी, और वो 3-4 साल तक कंटिन्यू चलती थी। वहां तो वो पेंट की दुनिया आ गई, तो मैं मतलब 1 साल तक तो एकदम एक वो इन्फेरियरिटी होती है ना, उसमें चला गया था, किसी से बात नहीं कर पाना। हालांकि अच्छे साथी मिले थे वहां पे, और वो एनकरेज करने का प्रयास भी करते थे, बट बात वापस वही है कि आप खुद ऐसे दब से गए थे होता उनसे। है सर, जब कभी निकलते ना घर से हाँ बाहर, जैसे मैं भी 10th करके बीकानेर गया था, 10th तक गली से बाहर निकला था, डायरेक्ट हाँ बीकानेर गया। जो आप बोल रहे हो ना, अब विजुअल मेरे सामने आ रहे हैं, मेरे हाँ वाले जो बीकानेर शैतानदीप पास गया था, मैं अकेला वहां हाँ रहता था, मेरे को पता है कैसे आपने किया होगा फिर वहां से वहां एक नियम था हॉस्टल में, नियम तो क्या था, परंपराएं थी जी। कि शाम को 7-8 बजे हॉस्टल के सारे स्टूडेंट खाना खा के बाहर जाते थे और चाय पी के आते थे। अच्छा कट चाय मिलती थी वहाँ पे एक ढाबा था, मुझे याद नाम नहीं आ रहा है, कुछ विशेष नाम था जी उसका। तो मुझे वहाँ पहली बार पता चला कि भाई पैसे देके चाय भी बेची जाती है। उससे पहले ये था कि अच्छा चाय तो वैसे ही हाँ, गांव में व्यवहार अपन में तो कहीं करते हैं। बनवार मिल हाँ, जाती। फिर मैंने भी वहाँ खाता खुलवाया, क्योंकि वहाँ खाते का नियम था कि अच्छा भाई आपको चाय पीनी है, मंथली और कैसे वो देना आप मंथली, वो आपका उस समय एक कट के 2 रुपए थे शायद, डेढ़ जी, या 2 रुपए थे, तो महीने का 50-60 रुपये आपका वो मंथल आएगा, वो फिक्स था। जी तो मैंने भी खाता खुलवाया। फिर मैं जब वापस गांव गया, तो मैंने घर वालों को, मम्मी पापा को, माँ पापा के सामने बोलने की आज हिम्मत नहीं मन होती, होती मम्मी को कहा कि मैंने, मम्मी 50 रुपये एक्स्ट्रा देना इस बार, 350 रुपये मेरी डाइट के, और 50 रुपये एक्स्ट्रा देना, और 100 रुपये मुझे और एक्स्ट्रा देना किराया वगैरह। तो मम्मी ने कहा वो तो ठीक है, बट 50 रुपये किस एक्स्ट्रा किस फर्क बात में के। मैंने कहा है वो हमने एक खाता खुलवाया वहाँ पे, चाय अरे पीते शाम को। उस पर मम्मी ने कहा ऐसे तो चाय तो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है वगैरह वगैरह। मैंने कहा ठीक नहीं भी है तो पूरी हॉस्टल पीती, मैं नहीं पीता हूँ तो मुझे थोड़ा सा बड़ा ऑकवर्ड सा ऑकवर्ड भी लगता है, लगता फिर मेरे को, मैं अकेला बैठता हूँ वो सब पीते हैं, तो मुझे भी 50 रुपये तो चाहिए। और फिर मम्मी ने वो 50 रुपये दिए मेरे को, उसके बाद से मैं चाय कंटिन्यू पी रहा हूँ, अभी भी पी जी। रहा हूँ। तो वो 10th तक वहीं पढ़ा। फिर अच्छा 10th में मेरे साथ काफ़ी कुछ चीज़ें हालातों के विपरीत हुई थी, तो फिर मैं बहुत पिछड़ गया था, और मेरे 49% ही बने, अच्छा और क्योंकि जिन रिलेटिव के साथ में मैं गया था, तो वहाँ पे उन्होंने कुछ अप्रोप्रिएट, यूँ कहिए ठीक व्यवहार नहीं था उनका। अच्छा हालांकि ऑन कैमरा मैं कुछ चीज़ें कह नहीं जी पाऊँगा, जी नहीं लेकिन इच्छा है मैं कभी लिखूंगा ना तो पूरी बात लिखूंगा, जरूर है ना। सुनाए जरूर लेकिन वहाँ पे फिर वो ठीक चीज़ें नहीं, इसलिए मैं ना कई बार अभी भी मेरे जो नॉन हैं या फिर कोई मेरे परिवार, उनको मैं कहता हूँ अभी अपने बच्चों को कभी भी ना रिलेटिव के साथ कभी मत भेजो पढ़ने के लिए, वो 2-4 दिन उसका ध्यान रख सकते हैं, जी उसके बाद वो उसको फ़ायदा नहीं पहुँचाएंगे, ये तय जी बात है। और उसके बाद में भी वो ऐसे कहते रहेंगे, हमेशा सुनाते रहेंगे, एहसान पूरी जताते रहेंगे। जिंदगी तो बच्चे को कभी भी है ना, पहली चीज़ तो ये होती है कि आप उसको 10th 12th तक बाहर भेजो ही मत, भेजो मत, एजुकेशन अपनी जगह है, उसका बचपन है ना छीनना नहीं छीन चाहिए लेना, हमें। तो मेंटली प्रिपेयर हो गए बच्चा तब हाँ, निकले उसको खेलने दो, उसको अच्छा घर का खाना खाने दो, माँ के पास में प्रेम स्नेह से रहने दो, क्योंकि अगर उसको बचपन में भेज दिया ना, तो माँ बाप के प्रति उसका अटैचमेंट हो गई,
और माँ बाप के प्रति उसका अगर प्रेम नहीं हुआ ना, तो आपको पता है कि माता पिता बूढ़े होंगे तब वो उसके साथ रह ही नहीं नहीं पाएगा। नहीं हो पाएगा। इसलिए बच्चों को तो बाहर भेजना ही नहीं चाहिए 10वीं 12वीं तक। तो उसके बाद कोई स्थितियां ऐसी आती है कि भाई अब कोई है ही नहीं वहां पे, तो जी अलग बात है कि उसको बाहर कॉलेज शिक्षा वगैरह के लिए भेज दिया जाए, नहीं भेजना चाहिए। मुझे यहाँ पे ये बात सीखने को मिली थी। आज भी मैं, मेरे घर पे मेरे दोनों भतीजे हैं, तो जी एक 11th में एक 12th में है, तो दोनों को ही घर रखा मैंने, कहा आराम से पढ़ो गाँव में। 12th पास करके हाँ, फिर आओ आराम से एग्जाम। करो, उसके बाद में ये कंपटीशन की दुनिया वगैरह बाद में देखना, पहले मानसिक और शारीरिक रूप से अच्छे से फिट हो स्वस्थ हो जाओ। जाओ। फिर वहां से मैं बहुत ज्यादा वो हो गया था, 10th तक आते आते ऐसी स्थिति आई थी कि पढ़ाई छोड़ दूँ। फिर मैं घर आया तो पापा ने वापस कहा कि वापस वहीं जा। मैंने कहा मैं वहां तो नहीं जाऊंगा। फिर मेरे को रामसर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 11th 12th में एडमिशन करवा जी दिया। यहाँ पे मैं वापस दोस्तों के साथ फिर थोड़ा सा खुला, खुला क्योंकि वापस 49 के मेरे कई साथी थे जी क्योंकि 10वीं मेरे जो 49% बने ना, तो मेरे जी गांव में मेरी बड़ी वो होती थी, मैं बाहर नहीं निकल पाता था। जी क्या जब इतना दूर ही जाना था तो गलो फिर ये परसेंटेज क्यों बनाए? क्योंकि कुछ भी कहो, आज भी आपकी योग्यता का आकलन विशेष कुछ क्षेत्रों में, तो मैं बताऊं, परसेंटेज के बेस पे किया जाता होता है काफी चित्रों में। है। काफी झेला मैंने उसको। मेरे को 11th में PCM इसलिए नहीं दिया गया कि मेरे परसेंटेज कम थे, तो मेरे को कहा कि जो दे रहा है वो ले लो बस। मैंने कहा ठीक है, वो मैं ले लेता हूँ। फिर मेरे को वहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जब एडमिशन करवा दिया था, फिर मैं रामसर में ठीक हो गया था। फिर 12वीं तक वहीं करी, 12वीं मेरे 61% बने। ठीक पढ़ा था, मतलब ऐसे अच्छा ग्रुप बन गया था, हाँ खेलना मैन कूदना ग्रुप। पहली बार हमारा स्टार्ट हुआ। मुझे पहली बार लगा कि स्कूली जीवन अच्छा होता है। यहाँ पे शिक्षक भी, आसपास का अपना क्षेत्र भी अपना था। वो बोली का वगैरह का वो माहौल हाँ, का फर्क पड़ जाता बिल्कुल काफी, कंफर्टेबल हो गए थे, कंफर्टेबल हो गए थे काफी। कहीं कहीं दिक्कत नहीं आई, और वो सारे साथी आज भी मेरे कनेक्ट हैं सारे। फिर 12वीं करने के बाद में मेरे जब ये चीजें हुई, तो फिर सलाह दी सभी ने, किसी ने कहा ITI करवा देते हैं, जी तो किसी ने कहा कि ITI नहीं करवाते, प्राइवेट स्कूल में लगा देते, STC करवा देते हैं। जी मतलब मेरे भविष्य का फैसला किया जा रहा था और मेरी राय नहीं ली जा रही थी, तो जी फिर मैंने कहा भाई कर क्या रहे हो आप लोग, तो क्या आपको ITI करवा देते हैं, पढ़ाई में तो इतना ज्यादा ठीक तो है नहीं। मैंने कहा मुझे तो बाड़मेर कॉलेज में एडमिशन लाना, क्योंकि मेरे सारे साथी वहां जा चुके थे। ना अभी तक अपने मस्त कोई टारगेट नहीं था जीवन में, समझते भी नहीं थे। उस टाइम भाई नहीं। मैं 5वीं का किस्सा आपको बताऊं, 5th क्लास में मैं था, तो जी नवोदय का एंट्रेंस टेस्ट था, हाँ है ना, तो हमारे फॉर्म भरे गुरु जी ने जी और कहा कि भाई सेव आपका सेंटर है, एग्जाम देने जाना। मुझे लगा कि नौकरी लग रही है, मुझे नहीं पता कि इसके बाद में भी स्कूल ही है, स्कूल ही कोई बस स्कूल चेंज हो जाएगी। जी मैंने कहा ठीक है, हमने तैयारी करी, और उसके बाद जब एग्जाम डेट आई, हम ट्रैक्टर पे चढ़ के सुबह 4 बजे रवाना हुए ट्रैक्टर पे, हम 10-11 बजे थे, और वो ट्रैक्टर पहुंचा आराम से 3 घंटे बाद में, हमने एग्जाम दिया वहां पे। वहां पे हुआ ये कि ओमर शीट हम भर रहे थे, जी तो उसमें एक ऑप्शन आया कि रूरल है आप कि अर्बन है। मुझे सही तो क्या पता मैं रूरल हूँ कि अर्बन बात हूँ मैंने आसपास किसी को पूछा तो वो कोई शहर का लड़का था, उसने कहा अर्बन, मैंने भी भर दिया अर्बन। अर्बन को क्या है कि सीट रिजर्वेशन नहीं है, रूरल को रिजर्वेशन है, है जी और मैं डेट ऑफ बर्थ से बाहर हुआ था, और अगर मैं रूरल लिख लेता ना तो मेरा 9 दिन हो जाता। अब आप सोचिए ऐसी गलती वहां पे हम कर, तो मतलब 12वीं तक हमें ऐसा कुछ पता पता नहीं ही नहीं था। था फिर भाई साहब ने मेरे को कहा, बड़े भाई साहब ने भी, तुझे क्या करना, मैंने मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना, आज लास्ट डेट है। जी फिर भाई साहब और हम बाइक पे बैठे और रामसर गए, TC कटवाई, और उसी दिन जाके बाड़मेर कॉलेज में, PG कॉलेज में एडमिशन लिया रेगुलर स्टूडेंट के रूप में। वहाँ मुझे मेरे सब्जेक्ट ही मिले, इकोनॉमिक्स, जोग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। तो अपने भाई साहब वगैरह सब स्टडी में है कैसे? नहीं, मेरे बड़े भाई साहब ने तो 10th करके छोड़ दी थी, वो अपना काम धंधा छोटा मोटा करते हैं, और पापा खेती करते हैं। घर में आप ये समझिए, मेरे पूरी दादाजी के परिवार में मैं पहला ग्रेजुएट शुरुआती हूँ, जी ग्रेजुएट पहला ही हूँ, इवन 12th पास भी मैं पहला ही हूँ, और पापा ने 10th कर रखी, और फिर ग्रेजुएट पहला हूँ, तो फिर सारे रिकॉर्ड मेरे नाम के हैं। आप ये सोचिए, PG भी कहिए, वो तो नेट भी स्टार्टिंग कहिए, और जी कॉलेज भी कहिए, राजपत्रित अधिकारी कहिए, जी सारा वो मेरे नाम का ही। फिर यहाँ हॉस्टल में एडमिशन ले लिया, और फिर 3 साल तक यहाँ पढ़ाई करी PG कॉलेज में। तो इस तरह से आगे बढ़ते रहे, और फिर धीरे 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 चीजें, वो कहते हैं ना कि हम कभी भी जो प्लानिंग करके निकलते हैं ना, वो हो ना हो, लेकिन वो जरूर होता है जो होने वाला होता है, जो उसने प्लानिंग कर रखी बस वही वो होगी फिक्स है, आप तो निमित्त मात्र है। जी
बाकी सच बात तो यह है कि मैंने इस रास्ते की कभी सोची नहीं थी। मेरे मस्तिष्क में पहली बार नौकरी का ख्याल भी 12वीं क्लास के बाद आया था कि कहीं पीटीईटी करके बीएड बीएड करके कहीं अध्यापक वगैरह कहीं लग जाएंगे तो अच्छा। जीवन सुधर जाएगा और घर वालों को एक खुशी हो जाएगी कि भैया अच्छा, नौकरी लग। सेट है। बाकी मैंने कोई बहुत बड़े ड्रीम देखे नहीं थे। अच्छा। वो कहते हैं ना किक मिलती जाती है, एक चीज मिलती है तब अपने को लगता है कि अपने और कर सकते हैं, फिर वो धीरे धीरे व्यक्ति कहाँ पहुंच जाता है ये खुद को उसको पता नहीं होता है। सही, बाकी ऐसा कोई सपना नहीं था बचपन से नहीं, मेरे को ये बचपन चीज से ऐसा पढ़ने। सही बताऊँ ना तो कभी कोई ऐसा ड्रीम नहीं रहा कि भाई मैं आरएएस बनूंगा या आईएएस बनूंगा। अब मैं बता रहा हूँ 12th तक तो मुझे इन चीजों की इस दुनिया का ही बना के पता नहीं नहीं थे। था। हाँ कॉलेज में आए तो उसके बाद में हमने आरएएस का नाम सुना पहली बार कि जी। आरएएस होता है एक, अब किस पोस्ट पे जाता है कहाँ जाता है ये नहीं पता, परीक्षा होती है और उसमें जी आरएएस होता है। तो मेरे हिसाब से वो सारे आरएएस ही थे, जी वेलाइड हो चाहे स्टेट सर्विसेस में हो। तो फर्स्ट ईयर में जब हम आए ना कॉलेज जी में तब वहाँ पे कुछ बच्चों ने एसएससी के फॉर्म भरे थे। एसएससी मैट्रिक लेवल आता था पहले, जी आजकल तो खत्म हो गया, अब 10+2 आने लग गया। तो जी उस समय मैंने भी एसएससी का फॉर्म भरा और मैं एसएससी प्री में पास भी हुआ और फिर मेंस में मैं फेल हो गया क्योंकि गणित इतनी अच्छी रही नहीं थी और ना इंग्लिश कभी इतनी अच्छी रही क्योंकि हमारी इंग्लिश आई 6ठी क्लास में थी पहली बार, गांव में आती तो लेट हाँ में। आती भी नहीं, तो उस समय तक तो कुछ था ही नहीं। सेकेंड ईयर तक आते आते मस्तिष्क में आया कि यार कोई पीटीटी के एग्जाम का पता चला हमें जी कि ये मास्टर ऐसे बना जाता है, फिर मैं कहा ये अपने लिए सबसे ठीक रहेगा। उस समय एक चीज ये भी थी, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन उस समय ये भी था कि कोई पास होते भी थे ना तो इतना मोटिवेट करते नहीं थे, उनके पास जाते थे तो वो ऐसे या तो अपने श्योर्स नहीं बताते थे या फिर उनको ऐसे अपने को हल्के में लेके निकाल देते थे, ऐसे नहीं कहते थे कि भाई आपको पढ़ना है, ऐसा ये भी था। और दूसरा ये कि डेंसिटी कम भी थी, कम लोग थे उस समय, इतना इतने पढ़ाई में थे नहीं लोग थे इतने। भी नहीं। मेरे गांव में मोस्टली सारे लोगों ने 10वीं कर करके छोड़ दी थी, 10वीं में ही छोड़ दी थी। तो अगर फोर्स को छोड़ूं तो मेरे गांव के अंदर दूसरा या तीसरा नौकरी में मैं लगा था, आज तो 20-25 बच्चे नौकरी में लग गए। तो ऐसा कोई ड्रीम था नहीं। हाँ फाइनल तक आते आते मैं बहुत समझ गया था चीज़ों को, लोगों बीए से मिल फाइनल ईयर लिए वहां हाँ पे मिल सब लिया। मिलके। 2006 की मैं बात करूँ, 7 की, मेरे जीवन का उस समय एक टर्निंग पॉइंट आया जी। था। ये था कि मुझे हॉस्टल से ना निष्कासित कर दिया गया। वो कुछ चंचल था, कुछ बदमाश तो था ही, मैं बचपन से ही रहा था, बदमाशियाँ रहनी भी चाहिए मैं कहता हूँ, अच्छा, ऐसे दब्बू से बच्चे काम के नहीं है काम के इस नहीं है। दौर में, सही तो है बदमाश तो मैं था। जी। और मेरे पापा तो ये कहते थे कि ये भूख मरेगा, भूख क्यों मरेगा क्योंकि इसका शरीर तो है नहीं तो ये काम तो कर नहीं सकता, पेशेंस है नहीं, गुस्सा बहुत आता है, तो ये कोई व्यापारिक कार्य नहीं कर सकता क्योंकि व्यापारिक कार्य वाले को बहुत बहुत धैर्य शांत, चाहिए होता है, बहुत धैर्य वो चाहिए। इसमें है नहीं, और पढ़ाई में तो ये मूल रूप से कमजोर है। तो अब इसके पीछे ऐसा कोई जोक बचा नहीं पीछे जो नहीं कर ये सके। करके और काम, बस मेरे को इस पे डाउट है। पापा मुझे डेली कहते थे, हम 3 भाइयों में तो बहन है, तो मेरी दुर्भाग्य से हमने पढ़ाई नहीं पापा ने, क्योंकि उस समय माहौल में विद्यालय भी 8वीं तक ही था और गांव के माहौल इतने ठीक नहीं नहीं होते थे, थे, लड़कियों को सुरक्षित मानते नहीं थे नहीं घर से मानते। बाहर भेजना। तो उस समय एजुकेशन मेरी किसी भी बहन को नहीं दी गई, दो छोटी बहन है 5वीं पास है, तो बड़ी दो बहनों को उतना तो स्कूल देखा भी नहीं था। जी तो 3 भाई हम हैं तो तीनों में पापा को मेरे पे बड़ा डाउट था, जी तो अभी मैं पापा को कहता हूँ अभी भी डाउट है कहता कि नहीं अभी अब तो घर अब हुए। सेट हो गया है। तो सेकेंड ईयर में था तो मुझे हॉस्टल से निष्कासित कर दिया, कुछ बदमाशियां रही थी। और सेकेंड ईयर में क्या हुआ, एग्जाम हुए थे, हम फिल्म देखनी थी हमें, हम 8-10 सेकेंड ईयर के बच्चे थे, तो जी हमें वो टीवी किराए पे लेके आए, पहले किराए पे लाते थे जी वीसीआर टीवी और वीसीआर सीडी जी है सीडी ना, हम किराए पे लेके आए और ये सारा कुछ बहुत ही सीक्रेट गेम प्लान का हिस्सा जी था। और हम 4-5 फिल्में लेके आए थे, एक शोले थी, एक कभी खुशी कभी गम, और ऐसे करके 4 फिल्में थी टोटल, जी कि रात में भी 4 फिल्में देख लेंगे, सुबह वापस जमा करवा के और हम गांव चले जाएंगे। जी अब वो हॉस्टल में तो क्या होता है कि सब प्रकार के बच्चे होते, एक ने शिकायत कर दी कि भाई अच्छा, हॉस्टल में टीवी लाना क्या अलाउ है, तो कि अलग नहीं, तो कि आज टीवी आई है और उस रूम में आई हम हुई देख रहे हैं। है। हाँ रात को 12 बजे रेड होती है और हॉस्टल वार्डन सर और मैनेजमेंट कमेटी सब, उन्होंने क्या किया कि रूम को बाहर से लॉक दे दिया कर दिया लॉक, फिर सबको बुलाया। हम बाहर नहीं निकल सकते, फिर जी हम 12 को ही निष्कासित कर दिया है ना, जी हॉस्टल से बाहर कर दिया था।
उससे पहले भी कई सारी शिकायतों की लिस्ट थी ऐसे, जी तो छोटी मोटी शिकायतें चलती रहती, मतलब ये सीमा हो गई थी पार। हाँ, पार हो गई, फिर उन्होंने बाहर निकाल दिया। बाहर निकाला तो हमने रूम ले लिया जी। उस समय बाड़मेर में कलेक्टर साहब आए थे सुबीर कुमार जी। अच्छा। उन्होंने वो पढ़ाई को लेकर काफी इंटरेस्ट थे, उन्होंने बाड़मेर के कलेक्टर के सभागार के अंदर एक किया था, वो सेमिनार किया था, और उसमें कहा था कि भाई मैं पढ़ाऊंगा। वो संडे टू संडे क्लास लेते थे, है ना। उस क्लास में हम जाना शुरू किए। अच्छा। तो वहाँ गए तो कई तैयारी वाले बच्चे आए, मैं भी गया। तो संडे क्लास लगती थी और 6 दिन तक वो जो बताते थे हम वो करने लग गए। अब देखो यहाँ से हमारा डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अच्छा। अभी तक हमारा दिन स्टेडियम में बीतता था, बैट और वो बोल लिए हुए, और अब डायरेक्शन चेंज होना शुरू हुआ। और यहाँ पे मैं शाम को डेली ऐसे जाता था स्टेडियम खेलने के लिए। आपके मैंने सुनी थी शायद स्टेडियम पार्क के पास कुछ लोग बैठ रहते थे। हाँ, वहां पे मैं डेली जाता था ना, तो मैं एक बार पार्क में पानी पी के फिर आगे जाता था स्टेडियम। तो बीच में एक बार मैं जब जा रहा था तो 4-5 लड़के है वो पार्क में बैठे पढ़ रहे थे, तो मैं भी उनके पास चला गया। मेरी निक्कर पहनी हुई थी और टी शर्ट पहना हुआ था, खड़ा रहा था। तो उन्होंने कहा बैठ जा, मैं बैठ गया। तो इन्होंने काफी देर डिस्कस किया, मैं तो कुछ बोलने की स्थिति में था नहीं। फिर मैंने लास्ट में पूछा, मैंने कहा भाई सब किसकी तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा 2-4 दिन आप पता चल जाएगा। उन्होंने कुछ नहीं बताया, 1-2 दिन में गया। उसके बाद उन्होंने कहा भाई हम असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी कर रहे हैं, UPSC करवाता है। उसके बाद उनसे मैंने जाना, फिर मैं उनके ग्रुप के साथ हो गया। अच्छा, संगत चेंज कर ली। हाँ, पूरी मेरा पूरा ग्रुप चेंज हो गया। मतलब आप ये सोचिए कि मेरे साथ जो लोग थे ना वो धीरे धीरे कट होते गए, हालांकि सब जुड़े हुए अभी, उस समय कट होते गए और मैं इनके साथ जुड़ता गया। मैंने वो रूम भी छोड़ दिए, फिर इनके साथ में आ गया। और इन्होंने जिसमें रघुनाथ विश्नोई है भी, उसमें अहमदाबाद पोस्टेड है, CGL के थ्रू लग गए। भवानी था जो अभी कमांडेंट है, और गौरव चौधरी था वो भी कमांडेंट है, एक विनय था जो कोटक महिंद्रा भी रीजनल हेड है शायद अहमदाबाद, और भगवान जी थे जो अभी पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर है। मतलब हमारा पूरा ग्रुप अभी राजपत्रित अधिकारी है, उसके उन ग्रुप के साथ में हो गया। सबसे छोटा मैं ही था इस समय। फिर हमने स्टडी सेंटर बना दिया बाड़मेर, सुबीर कुमार जी ने हमें दिया था। और उसके बाद में वहाँ पे हमारा डिस्कशन चलते थे, पेपर्स होते थे, इंटरव्यू होते थे, सारी चीज़ें होती थी UPSC के पैटर्न के अनुरूप। तो ऐसे कंपटीशन में घुस गए और फिर अच्छा लगने लग गया कि अब ठीक है, अब ठीक है, अब सही रास्ता और मिल गया। फिर अच्छी रैंक आनी शुरू हुई, असिस्टेंट कमांडेंट में पास हुआ, चेस्ट आउट किया, CDS में पास हुआ, वहाँ पे SSB आउट हुआ जी। फिर धीरे धीरे RAS का मेंस दिया, सिविल सर्विसेज की तैयारी RBI में हुआ, एयरफोर्स में हुआ। फिर धीरे धीरे सिलेक्शन होने स्टार्ट हुए ना, तब मेरे घर वालों को भी विश्वास हुआ, मेरे साथियों को भी लगा कि यार ये तो वास्तव में इसने बाद में गति पकड़ ली। मैं आज भी ना कहता हूँ, जैसे जो कोई गार्जियंस मेरे से पूछते हैं तो मैं कहता हूँ कि बच्चा 10th में कैसा पढ़ता है, 12th में कैसा पढ़ता है, उसके ऊपर दबाव देना ही नहीं चाहिए। 12th तक तो उसको जैसा पढ़ रहा है उसको पढ़ना है। ये बात सही है बिल्कुल, कि आप 12वीं तक बच्चे को जितना मारोगे ना, परेशान करोगे, जितना उसको दबाओगे, वो बच्चा बाहर 12वीं के बाद अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। उसको असफलता का अगर उसने स्वाद कभी चखा नहीं है ना, तो वो बाद में जाके जब कभी असफल होगा तो फिर असफलता को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और वो देखना स्ट्रेस में चला जाएगा। तो जितना ज्यादा बच्चे को खुला रखा जाए 12वीं तक, ठीक है थोड़ी बहुत ऊपर मॉनिटरिंग हो कि कहीं गलत संगत में नशे पत्ते में ना चला जाए, लेकिन पढ़ाई के लिए परसेंटेज के लिए दमित नहीं करना चाहिए। मैं उसके बड़े खिलाफ हूँ, क्योंकि आपकी सफलता ये नहीं है कि आपने 92% बनाए। क्योंकि मुझे ठीक से याद है मैं 49% वाला बालक हूँ, और मैंने 98 वाले भी पढ़ाए, 99 पढ़ाए। परसेंटेज कोई हो ही नहीं सकता, किसी भी व्यक्ति की योग्यता का प्रमाण हो नहीं सकता। तो फिर धीरे धीरे गति पकड़ते गए और चीजें आगे बढ़ते गए। तो सर अपनी जैसे जॉब कौन से साल लगी थी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में? जॉब में वैसे देखूं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ गया था 2012 में जी, वरिष्ठ अध्यापक के रूप में आ गया था, और फिर मैं बना लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर जी 2015 की वैकेंसी में। फिर 18 में मैं, जो कि वैकेंसी 16 की थी, थोड़ी लेट थी, अच्छा 18 में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया था, और अभी तकरीबन 5-1 साल हो गए।
जी, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद कौन कौन से एग्जाम में आप क्लियर कर पाए? हाँ नहीं, उसके बाद मैंने ना 18 के बाद मैं उस अवस्था में आ गया, मतलब मेंटल फेज पे। उम्र अच्छा तो अभी भी है कि मैं दे सकता हूँ, जी एज के क्राइटेरिया में मैं अभी भी हूँ, जी लेकिन मेंटल फेज वो आ गई कि फिर तय कर लिया कि वो एग्जाम नहीं देंगे, क्योंकि ना मैंने बहुत पहले डिसाइड किया था 2014-15 के आसपास जी कि जीवन के 30 वर्ष पूरे होंगे ना तब तक एग्जाम देंगे, जी जहां तक पहुंचे। और मतलब ये था कि 20 साल तक, 30 साल तक की जब उम्र होगी तब तक परीक्षा का मामला खत्म कर देंगे। फिर तय किया था कि 35-1 साल की जब तक उम्र होगी ना जी तब तक अच्छे से पढ़ाने का काम करेंगे, उसके बाद मैं लेखक बन जाऊंगा, फिर मैं लिखने में अपने आप जी को ढाल दूंगा और फिर उस पे काम करूंगा। तो संयोग से ये सब चीजें चली, क्योंकि देखो 2018-19 में लास्ट एग्जाम दिए और वो सब अब यूं समझिए 30 साल की अवस्था ही थी। अभी पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारी जगह पे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और यूं समझिए कि तकरीबन 500 से 600 बच्चों को अभी प्रोफेसर, स्कूल लेक्चर प्रोफेसर में निःशुल्क भी पढ़ाया हूँ, जी और 8-10 बच्चे ऐसे भी हैं जो जिनको मैं मंथली ऐसे पैसे दे के पढ़ा रहा हूँ उनको, उनके घर के, घर में कोई सोर्स नहीं है। जी तो 5-6 साल तक ये चीज़ें करूँगा, कर भी जी रहा हूँ अभी। अभी मैं लेखन में लगभग उतर चुका हूँ। धीरे धीरे हाँ अभी भी जैसलमेर के इतिहास में मेरे काम चल रहा है, मरु जी पे, और एक 6ठी शताब्दी के गणराज उस समय की एक बुक्स पे भी काम कर रहा हूँ, किताब पे काम कर रहा हूँ, और इसके साथ साथ एक साउथ इंडिया पे मेरा प्लानिंग चल रही है। अच्छा और इसके साथ साथ ये जब चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी फिर मैं मॉडर्न इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री पे भी काम करने वाला हूँ। तो ये सारे मेरे आगे टास्क फिक्स कर रखे हैं, है ना? टारगेट लिख सकते, हाँ ये फिक्स चीजें है, ये चीज़ें करनी है, करनी क्योंकि पढ़ खूब लिया, पढ़ा खूब लिया, और अभी आपको ही पता है 8-10 लाख बच्चे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, आराम से है ना? तो विभिन्न माध्यमों से बच्चों से कनेक्ट रहता हूँ, जी तो अभी ये मार्गदर्शन का काम कर रहा हूँ, कंटिन्यू पढ़ा भी रहा हूँ हिस्ट्री वगैरह, और ये जैसे चीज़ें हो जाएगी ना जी फिर लेखन में पूर्ण रूप से उतर पूर्ण रूप जाऊंगा। से तो बहुत कुछ लिखने की आकांक्षा है, ये लिखते हैं, बहुत क्योंकि अच्छा मैं हाँ पढ़ता हूँ क्योंकि अगर ना मैं मजबूरी से शिक्षक बना था ऐसे, जी मैं ऐसे वो होता है ना कि एक रुचि से बना हुआ व्यक्ति नहीं, जी फिर बाद में इस मजबूरी को कौशल से जोड़ दिया जी तो थोड़ा ठीक हो गया। मुझाना तो एडमिनिस्ट्रेशन में था जी और दूसरा था वर्दी का, यूनिफॉर्म का, दोनों अपने से दूर हो गई, क्योंकि जैसे ही बीमार हुआ, अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी हो जी गई थी 2009 में, आपको पता है 14 साल हो गए उस बात को। तो फिर डॉक्टर ने भी कह दिया था कि भाई आप इन दोनों चीज़ों के लिए अब आप अपने शरीर को मार के कर भी लोगे ना तो पद के साथ आप न्याय नहीं कर पाएंगे। जी फिर मस्तिष्क को ऐसे सेट कर लिया कि अब ये चीज़ें अपने काम की नहीं है, फिर एजुकेशन में आ गया, और फिर बड़ी तल्लीनता और अपना जो 100% देते हैं ना वो फिर दिया इसमें, क्योंकि अब जिस भी फील्ड में मैं मानता हूँ कि आप उसमें अपना बेहतर दीजिए, गवर्नमेंट जॉब की जरूरत थोड़ी ना है। जरूर सही है अब किसी भी फील्ड में हो, मैं कह रहा हूँ कि जैसे आप अभी अभी अपना चैनल पे काम कर रहे जी हैं, इस पे आप अपना 100% देते हैं ना, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें एक दिन इतनी ऊंचाई पे जाती है कि जॉब में तो व्यक्ति बंद जाता है, जी सरकारी सेवा में आने के बाद व्यक्ति कुछ नहीं कर कुछ सकता, क्योंकि उसको वही इंक्रीमेंट मिलेगा जो सबको मिलना है, सबको मिलना है उसको वही प्रमोशन मिलेगा जो सबको मिलना है। यहाँ पे गधे और घोड़े सब समान है, हकीकत बता रहा सही हूँ। है, बहुत अच्छा काम करोगे तो भी वही मिलेगा, नहीं करोगे करोगे तो तो भी भी वही वही मिलेगा, मिलेगा, ऐसा प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। आप बहुत अच्छा करोगे तो आपको मुझे अच्छा मिलेगा प्रमोशन मिलेगा, सारी चीज़ें होती हैं। तो वो है कि आप जिस भी फील्ड में जाते हैं, मेरा ये मानना है कि हम उसमें अगर सर्वोत्तम देंगे ना जी, तो वो आपको अपने आप एक दिन ऊंचाइयों पर मुझे लेके चले मिलेगा जाते हैं। ठीक है। तो तो ये सर एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे थोड़ा अपन पर्सनल लाइफ पर जाएंगे, शादी अपनी कब हुई थी, जॉब से पहले भी थी नहीं, या? जॉब मेरी पहली लग गई थी, अच्छा और उस समय ये था कि जॉब लग गई थी और अपनी जो सोसाइटी है वो थोड़ी सी अभी भी ऑर्थोडॉक्स टाइप की, तो मैंने एक दो जगह पे पहले मना किया था कि भाई जी अभी मैं उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, जी और अच्छी एक दो जगह और चला जाऊँ उसके बाद शादी करेंगे, लेकिन घर वालों को थोड़ा सा ये था कि
क्या पता बाद में कहीं कोई ऐसा कोई इंटरकास्ट वगैरह ना कर ले अपने यहाँ, तो रहता है ये डर, जी गजब डर रहता डर है। रहता है बाहर पढ़ते तो मतलब मैं तो फिर जब भी घर जाता था तो भैया होते थे पास में या पापा होते थे, वो दो चार उदाहरण तो उनके पास रहते ही, तैयार थे। उदाहरण दे दे के ऐसे मुझे इनडायरेक्टली सुनाते थे। तो मैंने कहा क्यों सुना रहे थे, मैं तो कहीं नहीं कर रहा, आपको जो ठीक लगे तो कर लो आप। क्योंकि मैं मानता हूँ कि माता पिता की इच्छाओं से, उनकी चॉइस से बाहर हमें जाना नहीं चाहिए, जी क्योंकि वो हमारे लिए ठीक ही सोचते हैं। तो फिर जॉब लग गई थी, तो फिर मेरे पास मना करने का कोई दूसरा विकल्प था लाजम। नहीं। भाई पहले तो भाई जॉब लगे हाँ, तब करूँ जॉब पहले तो ये लगे। कहा कि जॉब नहीं है। अच्छा, उम्र भी ठीक थी, 23-1 साल का था। तो फिर घर वालों ने कहा, तो शादी तो मेरी 13 में हुई थी, दिसंबर में, और जॉब तो बहुत पहले लग गई थी। जी ठीक है। ये नहीं कह सकते क्या, जनरली ये भारतीय परिवारों में होता है कि महिला जब आती है ना शादी करके, और अगर उसकी नौकरी बाद में लगी पति की, तो महिला कह देती है कि मैं आई हूँ उसके बाद बात आपकी लगी नौकरी लगी। मैंने ये जी। विकल्प छोड़ा नहीं। नहीं एक होता है ना जैसे कि जैसे आजकल जैसे एज हो गई, जो लोग IAS IAS की तैयारी कर रहे हैं उनकी एज बड़ी हो जाती है, जैसे 29 के 28 के हो गए। अपने समाज में अभी भी हाँ 29 है, मतलब 30 रुपये रोजे बहुत हाँ लंबा देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तब वो अगर जैसे जॉब नहीं लगती है शादी करते हैं, तो जब पीछे जॉब भी नहीं है उनको तैयारी भी करनी है, कि सपने तो IAS बनने के IAS बनने के, पर घर वाले जबरदस्ती पीछे कहेंगे पूछ रहे बॉन्दे को, ठीक है ना, वो हाँ शादी कर देते हैं। तो वो कैसे मैनेज होता है फिर, वो बंदा मेंटली कैसे वो प्रिपेयर करे उस वैसे चीज को, तो मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस नहीं नहीं है, है फिर क्योंकि मैं भी। जॉब पहले लग गया था। जी लेकिन मेरे कई स्टूडेंट हैं, कई परिवार के सदस्य हैं, उनको देख के मैं उस अनुभव पे बता सकता हूँ जी कि अगर आपके पास जॉब नहीं है और आप है वो पहले शादी कर ली जाती है, तो ये आपके लिए गजब नुकसानदायक होता है, क्योंकि आप अपनी फिनेंशियल जरूरतें पूरी नहीं कर नहीं पा कर रहे हैं, पा। अब फिर परिवार की भी करनी पड़ती है, आखिर उनकी भी कई सारी डिमांड्स होती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि घर वाले भी हाथ निकाल देते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि बच्चा इतना बड़ा तो होता नहीं है कि उन चीज़ों को वो मैच्योरिटी के साथ झेल सके। फिर जी वो पैसे के दबाव में भी आ जाता है, प्रेशर भी होता है, तो फिर वो अपनी योग्यताओं का पूरा उपयोग नहीं कर नहीं कर पाता, पाता। और परिणाम ये निकलता है कि या तो उसको लंबे समय तक सफलता नसीब नहीं होती है, और या फिर वो हमेशा के लिए दूर हो जाता है सफलताओं से। और हाँ, कई कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं जब शादी करने के बाद में अगर उनकी वाइफ काफी सपोर्टिव हो सपोर्टिव हो, जी चीजें समझने वाली हो, तो कई बार पॉजिटिव भी हो कुछ जाता है, बट ऐसा होता कम कम है, ही है, कहीं बार तो नहीं जनरली होता कम होता है। जैसे सपना IAS बनने IRS बनने का, फिर वो फैमिली के बैकग्राउंड प्रेशर में छोटी मोटी जॉब लेके बैठना पड़ता है। अपने बाड़मेर जैसलमेर की सबसे बड़ी समस्या है आटा साटा प्रथा। यहाँ पे जी तो एक की शादी होगी तो दूसरी को करनी करनी पड़ती है, पड़ती फिर वो घर वाले ऐसी धमकी देते हैं कि नहीं करेगी तो हम मर जाएंगे, ऐसे करके उसको ऐसे इमोशनली ब्रेक मिल गया जाता है, फिर करना पड़ता है कहीं करना ना पड़ता कहीं। सर। तो उसके बाद में थोड़ा सा ये है कि समय के साथ में मैच्योर हो जाता है, और फिर भी कोई आदमी मजबूती से लगा रहेगा ना तो कुछ ले पड़ेगा, थोड़ा सा अगर मेंटली कमजोर है तो फिर दिक्कतें बहुत है, ये रहती है। हालांकि ये सिचुएशन मेरे साथ नहीं आई, नहीं मैं क्योंकि मैं पूछ पहले से ऐसे ही पूछ रहा हूँ, जैसे काफी मैंने देखे भी हैं ऐसे, जैसे यही चीज सेम गर्ल्स के साथ होती है। अपनी गर्ल्स स्टूडेंट आपकी काफी होंगी जिनकी शादी हो उन, चुकी है, हाँ ठीक बिल्कुल, है ना, वो अब फैमिली को भी मैनेज करती है क्योंकि हाँ सपने तो सबके होते हैं, बिल्कुल, ठीक है उनके ना। साथ तो और भी स्थिति खराब वही है, क्योंकि तो उनको तो पूरे परिवार का, घर का काम देखना पड़ता घर है, का काम देखना पड़ता है। पुरुष कम से कम इन चीजों से बचा हुआ है। जी दूसरा ये है कि उस पे पूरा परिवार सवार हो जाता है कि पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, और उसको एक निश्चित टाइम दे दिया जाता है कि भाई आपको साल भर एक है, साल है, दो डेट साल है। एग्जाम आगे बढ़ गया या किसी कारणवश अगर सिलेक्शन नहीं हुआ जी तो फिर उसको तो पढ़ाई से दूर होना दूर पड़ता है। होता है। तो लेकिन पुरुषों के साथ ऐसा नहीं है, उसको खूब ऑप्शन दिए जाते हैं। अच्छा, वो कोई भी काम धंधा करके खुद का आजीविका भी कर सकता, कर पर महिला सकते नहीं कर नहीं सकती, कर सकते, उसको हर उनको अपने फेज पे सपने मानने सुनाया जाएगा, पड़ेंगे। हर फेज पे सुनाया जाएगा। ऐसी स्थिति, फिर वो बच्चे हो जाते हैं, तो बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी भी उनकी होती है, पुरुष तो कुछ करता नहीं है, वो तो ठीक है सुबह शाम दर्शन देता है, बाकी तो पूरे दिन वो अपना काम कर लेता है, काम कर कुछ भी कर करके अपना तो वो आजीविका कर ही लेगा। लेगा तो महिलाओं के लिए ये चुनौती ज्यादा विकट है बहुत थोड़ी सी, ज्यादा, और अब ऑनलाइन एजुकेशन के बाद में थोड़ा ठीक हुआ है। फर्क पड़ा है ना। हाँ, क्योंकि फिर अच्छी कोचिंग्स वगैरह जो भी उनको जो कंटेंट चाहिए ऑनलाइन मिल जाता है, वो घर बैठ के भी आराम से स्त्री जगह से पढ़ के भी जॉब ले रही है आजकल, तो ये थोड़ा सा एक फर्क पॉजिटिव पड़ हो गया गया। अब तो काफी हो गया। अब फर्क पड़ एक सर जैसे ये कंटेंट का, जैसे आपने बोला ये ऑनलाइन कंटेंट गया। लेते हैं, हाँ
आज के टाइम में सर इतनी बुक्स हो गई है, हर हाँ कोई आजकल बन गया है लेकिन के बुक्स बनाने के लिए, इतने यूट्यूब चैनल हो गए हैं, ठीक है, हर कोई टीचर है, मार्केटिंग का दौर मार्केट है। बहुत हो गया है। तो जैसे स्टूडेंट बैठते हैं पढ़ने के लिए, जैसे वीडियोस खोल लिए तो एक वीडियो पढ़ रहा है, जितने नीचे सजेशन में और वीडियो आ गए, तो बच्चा कंफ्यूज होता है कन्फ्यूज होता है सही से कहाँ से पढ़े, क्या पढ़ना सही है क्या नहीं है, कैसे उनको सिलेबस को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, थोड़ा उसके बारे में बताइए अब देखो, इसमें दो चीज़ें हैं। जी। आपका जो पहला प्रश्न था ना कि मटेरियल को क्या कैसे करें, जी देखो मेरा एक बड़ा स्पष्ट सा अनुभव है कि किसी भी स्टूडेंट की सफलता में उसके कंटेंट की भूमिका इतनी अधिक होती नहीं। जी मतलब ये है कि जो बच्चा पास हुआ है और जो फेल हुआ है, आप देखो कि दोनों के पास सेम सामग्री है, जी उसी सामग्री को पढ़ के कोई पहली रैंक ला रहा है और कोई बच्चा है वो रह फेल रहा है, फेल जी हो रहा है, असफल हो रहा है। तो चयन में आपके पास कौन सा कंटेंट है इसकी भूमिका बहुत अधिक नहीं होती। जी भूमिका जो होती है वो होती है कि आप उस कंटेंट को कैसे पढ़ते हैं, आप उसको किस तरह से याद करते हैं, आप उसकी कितनी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, आप उसका कितना कितनी बार रिवीजन करते हैं, आप उसको शॉर्ट में नोट्स बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, आपकी जो पढ़ने की शैली है ना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहले तो क्या है, ये कहना चाहूँ बच्चों को, कहता हूँ मैं हमेशा ही कहता हूँ कि मस्तिष्क में बात बिठा दो कि आप 20 किताबें लाओ चाहे 20 जगह से कोर्स खरीद लो, आपके सिलेक्शन में आपके कंटेंट की भूमिका बहुत कम है। इसलिए पहले से माइंड क्लियर हो जाना चाहिए कि मुझे लिमिटेड कंटेंट ही रखना है। अच्छा, वो कंटेंट चयन कैसे करना है, मैन हो उसके गया लिए देखो सीधी सी बिंदु है, जो कोई लोग सफल हुए हैं 5-7 लोगों के इंटरव्यू सुन लो, और जो चीज़ें कॉमन सब बता रहे हैं, कुछ अलग बताएंगे कुछ कॉमन आएगी, वो कॉमन की लिस्ट बना और वही कंटेंट ले लो आप, और उस कंटेंट को आप ठीक से पढ़ो। नहीं तो क्या, आप आज क्या मार्केटिंग का दौर है, बहुत देखो पब्लिशर्स भी अपनी मार्केटिंग करता है, यूट्यूबर्स अपनी मार्केटिंग आजकल करता है, टीचर अपनी मार्केटिंग करता है, गाइड वाले अपनी मार्केटिंग करते हैं, और इस पूरी मार्केटिंग के इस पूरे गेम में जो स्टूडेंट है वो है कस्टमर। पिस्ता वही है बड़ा दुर्भाग्य है कि शिक्षा में कस्टमर और फैक्ट्री ये सिस्टम लागू हो गया है। तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट को बड़ा समझदार होना जरूरी, नहीं तो वो किसी का कस्टमर बन जाएगा। बन जाए। तो आप स्टूडेंट को तो क्या इन सारी चीज़ों को समझ लेना चाहिए कि भाई मुझे क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, इन चीज़ों से प्रभावित नहीं होना। अगर आपको मार्केट प्रभावित कर रहा है इसका मतलब आप में अभी भी मैच्योरिटी का अभाव है। कम अब कई बार मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। जी क्यों नहीं हुआ, कोर्स नहीं पढ़ा? तो कोर्स का पढ़ा 4 बार, पढ़ पढ़ा 5 बार पढ़ा, तो कंटेंट सही नहीं है, तो कंटेंट भी सही है तो क्या दिक्कत हुई, रिविजन नहीं किया तो रिविजन भी किया, मतलब फेल होने के जितने भी कारण थे वो तो है ही नहीं, तो फिर तो फेल हुआ कैसे। जी फिर कहता हूँ आप ऐसे करना कि अब वो क्या करते हैं, जनरली किसी कोचिंग संस्थान के नोट्स खरीद के ले आते हैं, फिर उसमें से वो प्रश्न आते ही 60-65% है, जी तो फिर सिलेक्शन होंगे कहाँ से। तब मैं कई बार कहता हूँ कि आप किसी और के नोट्स पढ़, मैं आपके नोट्स पढ़ूंगा ना, जी एक तो मैं अंदर से कभी सेटिस्फाई नहीं नहीं होऊंगा, होता कभी नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे हमेशा ये लगेगा कि कहीं ना कहीं अधूरापन है। दूसरा, आपने अगर त्रुटि की है तो मैं भी वो त्रुटि वो याद त्रुटि से करूंगा। हम याद करोगे तीसरी बात, आपको बहुत अच्छी कोई चीज आ रही थी वो आप क्यों लिखोगे, अब जरूरी नहीं कि वो बात मुझे भी आ रही थी जो आपने छोड़ी है। सही बात है इसलिए कई बार स्टूडेंट को मैं कहता हूँ कि नोट्स जो है खुद से ये मांगने की या खरीदने की विषय वस्तु नहीं, इसको आप खुद से तैयार स्वयं तैयार कीजिए, करें आप अपने कंटेंट जो 4-5 किताबें हैं उनको मिला के बढ़िया से तैयार कीजिए, फिर उसको बार बार पढ़िए, आराम से सिलेक्शन होता है। अब मैं कह रहा हूँ कि एक किताब से, कोई भी एक किताब से, हिस्ट्री से ले लो, ज्योग्राफी से ले लो, पहली रैंक वाला भी वही किताब बताता है, फेल होने वाला कह रहा है कि मेरे पास भी यही किताब है, सेम किताब बस पढ़ने का ट्रेंड चेंज तरीक करना है और मस्तिष्क को थोड़ा कंट्रोल रखना है कि बड़े अच्छे अच्छे क्लेवर से जो नई किताबें आती हैं, ये महज कवर चेंज होता है, जी अंदर कंटेंट चेंज नहीं सेम होता, कंटेंट अंदर सेम रहता सेम है। रहता बुक किताब लेखक क्या करते हैं, अच्छा कई बार क्या होता है, एक गलती को हर किताब में पाया जाता है क्योंकि वो सब कट कॉपी कॉपी करते होती हैं, है एक ने गलती करी वहां से कॉपी करके दूसरे दूसरे लेखक ने निकाल करी, क्रॉस चेक करना कोई नहीं चाहता। तो बच्चे को थोड़ा सा इस युग में समझदार होने की जरूरत है। हमारा जो दौर था ना, जैसे बहुत पुराना दौर नहीं था, हालांकि मैं एक हम अपन सभी एक ऐसे सौभाग्यशाली दौर में हैं कि हमने दोनों दौर देख दोनों लिए। पर देख लिया मैंने यूपीएससी के ऑफलाइन फॉर्म भी भरे, मैंने जी आईएएस मेंस का 2013 का जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरा था वो ऑफलाइन भरा था,
और मैंने ऑनलाइन भी भरा। जी तो मैंने अपने इस दौर में हमने दोनों दौर देखे हैं, देख हमने लिया मोबाइल की दुनिया भी देखी, टेक्स्ट की भी टेक्स्ट देखी। की और लिफाफे मैं जब वाले 9th क्लास में था तो मैं घर मेरे लेटर खत लिखता था, खत मेरे पास आज भी पड़े, मैं मेरी बहन के नाम लिखता था। तो मैंने खत का दौर भी देखा है और मैंने टेक्स्ट मैसेज का दौर भी देखा और और अखबार सब में बधाई देने वाला दौर भी देखा। अभी तो हाईटेक हो गया मामला, जोड़ता व्हाट्सएप ग्रुप तक बन गए और अभी तो अब आप देख रहे हो कि आप जी अपन ये कर रहे हैं, ये सब क्या है। हाईटेक ये सब पहले है यह दुनिया कहाँ किसी को सुनने का मौका सही मिलता बात था। बहुत अनमोल अनुभव मर गए, जिन्होंने लिखे वो तो रह गए, रहेगा जिन्होंने नहीं लिखे ऐसी कोई सुविधा थी नहीं, चले गए, साथ में चले उनके साथ ही चले गए। जो मैं मानता हूँ एक 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 अमूल्य निधि थी वो निधि इस पूरी निधि जनरेशन के लिए। हर अनुभवी व्यक्ति को या तो अपनी बात कहीं बोलनी चाहिए या लिखनी चाहिए लिखनी चाहिए ताकि भावी पीढ़ियां उस गलती को दोहराए नहीं। जी और मैं कहता हूं कि 1000 बच्चे सुनते हैं उनमें से 2 लोग भी फॉलो कर लेना तो भी आपका जीवन धन्य है। धन्यवाद बहुत आप एक व्यक्ति को सुधार देते हैं तो आप मान के चलो कि आपने इस पृथ्वी का ऋण उतार दिया, इससे बढ़िया तो क्या हो सकता है। और कई लोगों के पास अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं लेकिन या नहीं तो वो बोलते बोलते नहीं है या लिखते नहीं है, तो जब अभिव्यक्ति नहीं हुआ तो काम का क्या, क्या सही बात। ये चीजें रहती है इसमें। जैसे सर भी आपने बोला कि भाई दो लोग सुन ले, जैसे मैंने आपका नाम, जैसे गणपत सिंह जी का नाम हर जगह सुनता हूँ मैं, जहाँ पढ़ते की परीक्षा होती है वहाँ आपका नाम तो सबसे पहले बच्चों आता में है आ जाता है। बच्चों में हाँ मतलब वहाँ नाम आता ही आता है आपका हर हाँ जगह। तो इतनी फैन फॉलोइंग है, मतलब इतना नाम है, तो ये कब से स्टार्ट हुआ फैन फॉलोइंग वाला भाई एकदम से? हाँ देखो फैन फॉलोइंग मुझे शब्द एज थोड़ा ए नहीं ठीक नहीं इन्फ, लग एज रहा। ए मैं टीचर एज ए हाँ बोलते हैं, जिस तो रियल एक वर्ड होता है आज के दौर पर चल रहा है इन्फ्लुएंसर। ठीक है, हाँ इन्फ्लुएंसर का रियल मतलब क्या होता है? जब आपकी बात को कोई बच्चा सुने और उससे प्रेरित हो। और आजकल क्या है, जो इंस्टा इन्फ्लुएंसर, इन्होंने सबने वो परिस्थिति चेंज हाँ कर दी वो है, थोड़ी परिभाषाएं बिगाड़ उन्होंने दी बिगाड़ इन्होंने। दी है। बट हाँ टीचर रियल इन्फ्लुएंसर कौन है आज के दौर में? सही और पहले के दौर पे रियल इन्फ्लुएंसर था एक टीचर, सही बात है। क्योंकि टीचर ने जो बोल दिया हमारे लिए वो चीज सबसे ऊपर थी। अगर रियल इन्फ्लुएंसर और रियल टीचर माने ना, वो मेरी नजरों में आज आप हैं। मैं देखता हूँ आपको, आपके स्टूडेंट हैं जो आपके एक बात पे सब, मैं आपके कमेंट भी देखता हूँ, मैंने इतने खुद ने वीडियो बनाए, मेरे नीचे कमेंट आपके नाम से आए हैं कि गणपत जी को लेके आइए, बच्चों गणपत जी को लेके आइए। का बड़ा प्रेम है बहुत मेरे बड़ा, बहुत साथ। बड़ा प्रेम है। मैं चलो फैन वो फॉलोइंग नहीं कहेंगे अपन, प्रेम कहेंगे बच्चों का, जो बच्चों का देखो प्रेम है उसके बारे में थोड़ा बताइए इसमें यूं है कि मैं 2000 लगभग 11-12 से कंटिन्यू बच्चों से जुड़ा हुआ हूँ। जी। पहले क्या पूरा ऑफलाइन मोड था तो हम एक रूम तक सीमित थे, सीमित हमारी बात बाहर तक नहीं जाती थी। फिर कोविड आया और कोविड कई मायनों में नेगेटिव ही था, हर मायने में नेगेटिव था लेकिन कुछ मायनों में पॉजिटिव रहा। जैसे इस कोविड के कारण हम सब शिक्षक जो डेली 5 घंटे 6 घंटे बोलने वाले लोग रूम में बंद कर दिए गए तो हम भी सफोकेटेड हो गए, क्या करें किसको सुनाएं, घर वाले इतना सुनते नहीं थे। तो जी कुछ ना कुछ करते हैं, ऐसा करते हैं कुछ वीडियो बनाते हैं कुछ करते हैं। जी तो उसके बाद धीरे धीरे हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना शुरू हुए। लेकिन इसके पीछे की मेहनत एक बड़ी लंबी मेहनत रही है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके बताता हूँ जी इसका। हर दिन ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, और लोग इंस्टाग्राम आईडी पे रील देखते, मैं इंस्टाग्राम आईडी पे ये जवाब देता हूँ कि अध्यापक की तैयारी कैसे करनी है, वरिष्ठ की कैसे करनी है, मेरे इंस्टा पे सारे यही मैसेज होते हैं, जी टेलीग्राम पे और जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम है उस जी पे, एप्लीकेशन पे भी सारे प्रश्न आते हैं, टीम मुझे पहुंचा देती है। दिन में 2 से 2.5 घंटे कम से कम बता रहा हूँ इन बच्चों की इंक्वायरी क्लियर करने में मैं जाता भी हूँ। देखता हूँ, जैसे अपन मिले तब आप मैसेज हाँ रिप्लाई कर रहे रिप्लाई, थे, मैं हर एक बच्चे का मैसेज रिप्लाई रिप्लाई करता करते हूँ हैं आपसे और दिन में तकरीबन 150 से 200 बच्चों को रिप्लाई करता हूँ। अच्छा कॉल अटेंड नहीं कर पाता क्योंकि सही मुझे मेरी ऑफिस भी देखनी पड़ती, मैं जी मेरी कॉलेज के साथ कभी धोखा नहीं करता, जी कभी कभी छुट्टी पे नहीं जाता, मेरा काम कॉलेज का पहले, उसके बाद ये सारी चीज़ें करता हूँ। जी उसके बाद हर दिन शाम को फिक्स है 5 बजे के बाद 10 से 12 बच्चे डेली आते हैं मिलने के लिए। कोई मिठाई खिलाने आता है, कोई फेल होता है तो आगे की राह तलाशने के लिए आता है, जी तो उनको मैं हर दिन 1.5 से 2 घंटे देता हूँ। तो मतलब ये सोचिए कि आप दिन में 4 से 5 घंटे मेरे उनके लिए चले स्टूडेंट्स जाते के हैं। लिए मैंने ऐसे शिक्षक भी देखे हैं जो बच्चों से बात तक नहीं नहीं करते, करते सर, बड़ा डेकोरम मेंटेन करते हैं, उस तक पहुंचने के लिए उन्होंने कई बैरियर कई बना बैरियर रखे हैं। बैरियर और मेरे अपॉइंटमेंट्स पास बच्चा वगैरह सीधा आता है, 8वीं क्लास का बच्चा भी आता है, सर कैसे, कोई झिझक नहीं उसको। नहीं है सर। तो हाँ टाइम खूब बच्चों को दिया और मुझे ये करके बड़ा अच्छा सा लगता है।
तो इन सारी चीजों की बदौलत ये हुआ कि बच्चों को एक भरोसा हो गया कि व्यक्ति सही कह रहा है। और हमारे कई बार मैं बहुत ही क्लियर कह देता हूँ, कल जैसे एक बच्चे का फोन आया, सर पढ़ाई नहीं हो रही, तो मैंने कहा छोड़ दे। तो सर मैंने इसलिए फोन नहीं किया, तो किस लिए किया? पढ़ाई नहीं हो रही है और लेकिन नौकरी लेनी है, तो बेटा पढ़ाई नहीं हो रही, नौकरी नहीं लेनी तो नहीं लगेगी, क्योंकि 10 लाख बच्चे बैठते हैं, 500 700 लेने, आप किस बेस पे दावेदारी कर रहे हैं? तो फिर जब YouTube की दुनिया में हम आए, चैनल बनाया, किया, जी सारी चीजें करी, उसके बाद मैं बच्चों को जब भी बहुत गजब का कोई कन्फ्यूजन मार्केट में होता था, क्योंकि आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया के दौर में झूठ कितना बहुत है, तरीके से फैलता है, आराम से, बच्चों का कोई भी ब्रेन वॉश कर लेता था, आराम से, उस समय मैं लाइव आता था और बच्चों को वो बात बताता था जो यथार्थ है, सत्य है, रियल है। और वो बातें बच्चों को हृदय में टच करती, आज भी करती है। बच्चा बहुत जबरदस्त कंफ्यूज होता है तब वो मेरे से बात करता है। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि सर मैं फिजिक्स में MSc किया हुआ हूँ जी और मैं हिस्ट्री लेके MA करके और फर्स्ट एड की तैयारी करना चाह रहा हूँ, आप अपना निर्णय लीजिए। बताओ, बच्चा अपने करियर को लेके मुझे पूछ रहा है कि मैं हिस्ट्री में काम करूँ या फिजिक्स में आगे बढ़ूँ, तब मुझे लगता है कि कितना भरोसा है। अब यहाँ पे अगर मैं मेरे व्यावसायिक हित देखूंगा जी तो देखो, काठ की हांडी बार बार नहीं बन नहीं चढ़ती, ये जाती, बात सही आपको बात, अच्छे से पता है। रियल है, यहाँ पे अगर मैं व्यावसायिक हित देखता हूँ ना, तो निश्चित तौर पे कुछ समय बाद मैं एक्सपोज हो जाऊंगा आराम से। और फिर धीरे धीरे बच्चे को विश्वास नहीं, मैं कुछ समय भ्रमित कर सकता हूँ, ज्यादा समय नहीं कर नहीं कर सकता। सकते, तो डे फर्स्ट से लेके आज तक सेम कोई भी आपका, मेरी क्लास देखोगे, कोई मेरा आर्टिकल देखोगे, मैंने हर बार बच्चे को बहुत सत्य, कड़वी जो सच्चाई होती है ना, उससे अवगत करवाया। तो इसका परिणाम ये हुआ कि जो भी स्टूडेंट है मार्केट वो के, वो बड़ा मतलब भरोसा करते हैं कि एज ए जब ग्लिसन सर मतलब कह रहे हैं तो पूरा। सही कह रहे होंगे। जी मैंने कभी भी लाइक्स सब्सक्राइबर वगैरह, एक जी बार मेरे को जबरदस्ती बुलवाया गया तो मेरे सब्सक्राइबर बोला नहीं गया ठीक से, जी उन्होंने कहा कि सर ऐसा बोलो कि सब्सक्राइब करें। मैंने कहा मेरे से 3 बार नहीं, मैंने कहा ये नहीं बोला जाएगा मेरे से। मैंने कहा बच्चों को पसंद आया तो अपने आप चैनल ज्वाइन कर लेंगे, नहीं आया तो कोई बात नहीं, अपन किसी को मजबूर नहीं नहीं करेंगे। कर सकते हैं। तो उसके बाद से भरोसा बढ़ता गया और आज की तारीख में ऐसी स्थिति आती है कि हर दूसरे तीसरे दिन बच्चा दूसरे जिले से आता है, पहले फोन करता तो मैं मना करता हूँ कि टाइम घर मत खराब जी कर, कई बार बिना फोन किए आ जाता। अभी अभी बच्चा, अभी मैं जब आपके पास आया हूँ, एक अलवर से बच्चा आया हुआ था जी और बैठा बैठा वाइब्रेट हो रहा है, मैंने कहा क्या हुआ? तो सर मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आपके पास आप बैठा। मैंने कहा यकीन कर ले बेटा, मैं ही हूँ और मैं ऐसा ही हूँ, बहुत साधारण व्यक्ति हूँ, जी आपने मुझे प्रेम दे के ऐसे बनाया है, बाकी जी मैं बहुत साधारण हूँ और मेरे जानने वालों को बहुत अच्छे से पता है जी कि मेरे में वो कभी, और मैं कहता हूँ कि किसी भी शिक्षक में ये डेक आना भी नहीं चाहिए। नहीं सर, टीचर अगर डेकोरम रखेगा, गैप रखेगा ना, तो बच्चा अपने डाउट बताएगा नहीं किसको? बात, सही बात है, क्योंकि बच्चे के लिए माँ बाप से भी अग्रणी होता शिक्षक। शिक्षक कई बार ऐसी स्थिति आती है, मेरे पास अभिभावक आते हैं, सर आप समझाइए हमारी बात नहीं नहीं मानते। बात इवन मेरी बच्ची है 5 साल की, पहली क्लास में पढ़ती है, जी। एक दिन उनकी मैडम ने कुछ गलत पढ़ाया तो मैंने कॉपी देखा, मैंने बताया गलत है। नहीं पापा, मैडम ने कहा मैडम ने उसे बताया, अरे मैडम मेरे से पढ़ रही है, लेकिन वो उसको क्या मतलब उससे, मैडम ने मैडम, बताया मतलब सही। आप यहाँ अब पिता हो, उसके मैडम लिए तो मैं जरूरी है एक पिता हूँ, जी। उसको कोई मतलब नहीं है कि उसके पापा क्या करते हैं, दुनिया को क्या सिखा रहे हैं, लेकिन उसके लिए वो मैडम भगवान है। भगवान है, रियल है, तो जब बच्ची, लड़कियां लड़के इतना भरोसा करके आपके टीचर्स पे सामने बात रखते हैं, तो आपको इतना डाउन टू अर्थ होना चाहिए कि बच्चा निसंकोच आपसे बात पार रख करे। सके, तभी दुनिया में अपराध कम होंगे, तभी नशे की इन वृत्तियां जो दुष्वृत्तियां ये कम होंगी, क्योंकि आप बहुत फ्रेंकली उसको समझा सकते हैं। अगर आप अपने डेकोरम में रहोगे, बच्चा आपसे बात नहीं नहीं करेगा, गलत करता, कदम उठाएगा, माँ बाप से तो वैसे ही नहीं करता, नहीं करता, और टीचर भी अगर ऐसे करेंगे तो फिर नहीं किससे होगा। इसलिए मैं पूछेगा तो कहता हूँ कि शिक्षक को सच में इतना साधारण होना चाहिए, हालांकि वो असाधारण होते हैं, लेकिन रहना सामान्य जीवन में साधारण रहना चाहिए ताकि स्टूडेंट उससे अपनी बात रख सके और हम उसकी बात को, उसको बता सके कि सही क्या है गलत क्या है, अन्यथा क्या होगा, वो गलत कदम उठा देगा और उसको पता ही नहीं चलेगा वो गलत कर रहा कर रहा है। है। तो ये चीजें जो है वो है, तो मुझे इसका कभी वो नहीं होता, मुझे लगता है कि बच्चों का भरोसा है, जब तक हम कायम रखेंगे तब तक ये बच्चे जुड़ते जाएंगे, भरोसा सही तोड़ देंगे तो फिर सीधी सी बात है कि बात। आप वो है कि शिक्षक अपना खत्म हो जाएगा। तो सर जैसे जो शुरुआती दौर बच्चा पढ़ना बैठता है या पढ़ना स्टार्ट करता है, या हम भी हैं जब पढ़ने बैठते हैं, पूरे दिन जैसे कुछ दिमाग में नहीं आएगा, जब पढ़ने बैठे हैं ना उसी टाइम नेगेटिव चीजें हैं या कुछ भी दिमाग में उल्टी सीधी डिस्ट्रेक्शन आते सारी रहते बातें उसी टाइम याद आएगी, करके सारे काम भी उसी टाइम याद आएंगे, सब कुछ चीजें उसी टाइम याद आएगी, हैं उससे कैसे निकले सर? सही। देखो ये ह्यूमन बिहेवियर है जी तो ये स्वाभाविक है। जैसे अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेके बात करें कि हम, जैसे इंडिया पाक का मैच हुआ, जी
तो जो कोई देखने वाले हैं, जो क्रिकेट के बहुत ही पसंद करने वाले जो जी लोग हैं, 5 घंटे देख लिया होगा, उनका मस्तिष्क डाइवर्ट नहीं हुआ नहीं होगा। हुआ मूवी देखने जाते हैं, 2-3 घंटे की मूवी होती है, उस समय बिल्कुल मस्तिष्क डाइवर्ट नहीं होता। कोई उपन्यासकार है या कोई साहित्य प्रेमी है, उपन्यास लेके बैठता है, सुबह से शाम पूरा उपन्यास करके छोड़ रख देता है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। तो ये बेसिकली विषय है ना, ये है रुचि का विषय। और पढ़ाई आरंभिक चरण में कभी भी रुचि का विषय नहीं रही। स्टार्टिंग में जब बच्चा स्टार्ट करता है तो वो रुचि का विषय नहीं, जैसे बाद में एक अवस्था ऐसी आती है फिर पढ़ाई अच्छी लगने अच्छी लगती लगने है। लगती है जैसे अब मैं मेरी बात करूं, जी तो अब जब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, कोई भी कंटेंट पढ़ते हैं, तो 10 में से 5-6 बातें ऐसी होती है जो हमारी पढ़ी हुई होती है। फिर 2-3 नई बातें आती है, तब हमें बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा ये नई बात आई, हम थोड़ा और इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। ऐसे करते करते 2 से 3 घंटे कब गुजर जाते हैं पता ही पता नहीं नहीं होता। चलता, डिस्ट्रेक्शन नहीं होता। लेकिन जब हम शुरुआत कर रहे थे ना, स्टार्टिंग में कभी नया पढ़ रहे थे, उस समय जी सब नया आ रहा था, और नई चीज़ों को सीखना, एडप्ट करना, ये सच में बड़ा चुनौतीपूर्ण होता जी है, और ये हर स्टूडेंट के साथ होता है। इससे बचने का सिर्फ एक ही माध्यम है कि बच्चे को कभी भी ऐसे लॉन्ग मैराथन पढ़ना नहीं चाहिए स्टार्टिंग में। 20-30-35 मिनट 40 मिनट पढ़े, और उसके बाद थोड़ा सा और, थोड़ा सा घूम लो 5-7 मिनट, उसके बाद फिर पढ़ लो, फिर घूम लो, फिर पढ़ लो। तो इस तरह से छोटे छोटे स्लॉट में पढ़ना चाहिए। अच्छा अच्छा, कुछ खाते रहना चाहिए, क्योंकि मानसिक श्रम शारीरिक श्रम से अधिक एनर्जी की डिमांड करता है। जी अब जैसे मान लो 20-30-35-30-35 मिनट पढ़ा, टॉपिक पूरा हुआ, फिर थोड़ा सा घूम लो, कुछ खा लिया, ड्राई फ्रूट्स खा लिए या कुछ भी पढ़ा था, चाय ओके पी ली, बिस्किट जो भी था, फिर 15-20-30 मिनट फिर पढ़ो। तो पढ़ाई को ऐसा ना रुचि पैदा कर करके करना चाहिए। ऐसे खुद को मेंटल टॉर्चर करके अगर आप पढ़ोगे ना, जी तो आप मान के चलिए कि आप डिस्ट्रैक्ट होते जाओगे और याद भी कुछ नहीं होगा। तो ऐसे स्लोट में 20 मिनट 30 मिनट, अच्छा धीरे धीरे ये स्टेमिना बढ़ता जाएगा, जी फिर 3 घंटे भी कब गुजरेंगे आपको पता पता नहीं नहीं चलेगा चलेगा। अब स्थिति ये होती है, कई बार मैं पढ़ रहा होता हूँ तो मम्मी खुद आते, नाश्ता लेकर नाश्ता नहीं किया, कॉलेज का टाइम हो गया जाना, क्योंकि मेरा टाइम टेबल ये रहता है कि मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, 6 बजे उठने के बाद में आधे घंटे घंटे देर मैं वॉक करता हूँ, योग करता हूँ, उसके बाद में 2-2.5 घंटे में होमवर्क करता हूँ मेरा, और इस दरमियान कई बार मैं लेट हो जाता हूँ, भूल जाता हूँ कि साढ़े, क्योंकि मोबाइल तो मैं तो बच्चों को साइलेंट भी कहता हूँ और खुद भी यही करता हूँ, साइलेंट करके उल्टा करके रख देता हूँ। जब तक मेरी पढ़ाई नहीं होगी, चाहे किसी का भी फोन आए, अटेंड नहीं होगा मतलब नहीं होगा, क्योंकि ये जब तक खुल के आपके पास में रहेगा ना, तब तक आपकी रुचि इसमें चली इसमें जाएगी, रहेगी आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, ये तय होंगे। बात है। तो सबसे बढ़िया यही है कि इसको आप साइलेंट करके और उल्टा करके अपने से भी 50 फिट दूर रख लो इसको, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। तो फिर उसके बाद मैं रेडी होता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, 10 से 3 का कॉलेज रहता है, 3 के बाद में फिर ये करियर काउंसलिंग इन क्लासेस वगैरह ये सब चलता है, ऑनलाइन वगैरह करता रहता हूँ, जी फिर शाम को फिर 1-2 घंटे पढ़ता हूँ, और उसके बाद रात को 11-12 बजे सो जाता हूँ। तो ये ऐसा शेड्यूल रहता है, तो ये हर कार्य को बड़ा इंटरेस्ट के साथ करता हूँ, और स्टेमिना ये धीरे धीरे बढ़ता है, फिर ये दिक्कत नहीं आती। सही, मतलब रुचि धीरे धीरे ही बढ़ानी हाँ पड़ेगी। धीरे धीरे, मतलब वैसे स्लॉट में काम करिए, स्लॉट, 30 मिनट और जैसे आप बोलो ना, स्लॉट करने के बाद 30 मिनट पढ़ने के बाद थोड़ी तो देर घूम लो, तो घूम लो। आज के दौर में ये घूमने वाला ना, ये फोन में कन्वर्ट हो गया। हाँ 2 मिनट यही रील देख सबसे लेते बड़ी हो समस्या हुई क्या, है। दो अभी आधा घंटा पढ़ लिया, 2 मिनट रील देख रहा, हाँ वो 2 मिनट का 2 घंटे का होता है, ये तो पता मीठा ही नहीं जहर चलता है, ये है तो मीठा जहर है, बहुत। ये मीठा जहर है, और दुनिया से, दुनिया की जितनी आबादी है ना, उससे ज्यादा तो व्यू है। तो एक व्यक्ति एक रील को कई बार देखता कई बार है। देखता अब सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे यही है। आती है कि मुझे ठीक से याद है, जब मैं हॉस्टल में पढ़ता था, थक जाता था तो किताब लेके चलता चलता ही पढ़ लेता था, फिर पैर से थक जाते फिर बैठ बैठ जाते थे, जाता लेट के ही पढ़ा, बैठ के भी पढ़े, चलते भी पढ़े, पढ़ना ही है। तो वो रुचि वो लानी पड़ेगी, स्लॉट में करना पड़ेगा। स्लॉट। कई बार बच्चे टाइम टेबल बनाते हैं कि मैं 7 बजे उठूंगा, 7 से 9 ये पढ़ूंगा, ये करूंगा। आज दिन तक मुझे जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ, किसी का टाइम टेबल नहीं सेट नहीं हुआ है, नहीं होता, क्योंकि टाइम टेबल के अंदर आप कई जंजीरें बना रहे हैं जो आपको बांध के रख बांध रही रहे। है। अच्छा 2 घंटे में आप, 2 घंटे जैसे कि मैं ज्योग्राफी पढ़ूंगा, अच्छा आपका और मन हो रहा है तो क्या आप वहीं छोड़ दोगे आधी लाइन को कि मेरे 2 घंटे हो गए, इतना क्यों टॉर्चर कर रहे हो? ऐसे टाइम टेबल बना नहीं होनी नहीं चाहिए, होता बस ये रखो कि हाँ टाइम टेबल हमेशा दैनिक होना चाहिए। अच्छा उसमें से 2 घंटे में आपने कहा 7 से 9 बजे ज्योग्राफी पढ़नी है, अगर उस समय आप 7 से 9 नहीं पढ़ पाए, कोई काम आ गया ना, काम आ गया। पूरे दिन पढ़ाई नहीं होगी, फिर आप लिखोगे टाइम टेबल आगे अगले दिन से लाओ, फिर ऐसे 3 दिन करने के बाद आप फाड़ोगे और नया टाइम टेबल मैडम कॉपी के लास्ट पेज पे फिर बनाओगे।
इससे बेहतर ये है कि इस तरह से नहीं करना चाहिए, ये अरुचि पैदा करता है। मेरा ये बहुत क्लियर रहता था जब मैं पढ़ता था कि भाई आज मन नहीं है तो आज ऐसे करो मैच कर लेते हैं, आज मन नहीं है तो चलो गांव निकल लेते हैं, और मन है तब भरपूर पढ़ लेते हैं। ऐसा भी नहीं है कि महीने में 20 दिन मन ना हो, ठीक है 2-3 दिन 4 दिन रहता था, इससे ज्यादा नहीं रहता था। और फिर जब पढ़ते थे तो भरपूर पढ़ते। मेरा तो ये मानना है कि जो काम होता है वो भरपूर होना चाहिए, नहीं तो आधा अधूरा मत करो, सफलता नहीं मिलेगी। जो भी काम करना है बड़ी शिद्दत से कर लो। सही। तो सर आपके अनुसार जैसे बच्चे आजकल जो पढ़ रहे हैं तो क्या दिनचर्या होनी चाहिए बच्चों की? जैसे आपने अभी बताया भाई जो टाइम टेबल बनाते हैं, टाइम टेबल नहीं बना चाहिए, फिर भी एक आदर्श स्टूडेंट की क्या दिनचर्या होनी चाहिए, पढ़ने का कैसे होना चाहिए? देखो ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, कोई रात्रि में पढ़ते हैं, कोई जैसे इंजीनियरिंग के लोग हैं आपको पता ही होगा जी कि वो हम रात परीक्षा वाले जब आती है तो उससे कुछ समय पहले एक रात पहले वो पूरी रात जगते हैं और उनकी हैबिट में आ गया है और जी वो रात पूरी पढ़ के देख के आएंगे। बाकी पूरे साल वो क्या करते हैं वो मैं क्या बताऊं, ठीक है? और अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, अच्छा CGPA आता है उनका, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ बच्चे मॉर्निंग में पढ़ते हैं उठ के, तो ये सबका अलग अलग रहता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हर दिन का एक टारगेट है वो पहली नाइट ही सेट कर लेना चाहिए। जी जैसे आज कल मुझे क्या पढ़ना, आज रात को मैं जब सोऊंगा ना तो मेरा ये रहता है कि रात को जब सोता हूँ तब सोचता हूँ कि आज मैंने क्या किया और कल मुझे क्या क्या काम करने हैं। जी ये सब मस्तिष्क में बैठा के सोता हूँ और कल के दिन में वो किसी भी सब भी समय मिलेगा वो मैं काम करता हूँ। कई बार पूरे हो जाते, कई बार नहीं होते, नहीं होते तो कहता हूँ उसको कल कर लेंगे, और हो गए हैं पूरे तो ठीक है। तो इस तरह से है वो छोटे छोटे टारगेट सेट करने चाहिए और दिन की टारगेट सेट करने चाहिए, बांधना नहीं चाहिए भाई, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। ऐसे तो है नहीं कि भाई हमारे कोई दिन में काम नहीं आएगा, काम भी आ सकता है, घर से फोन आ सकता है। फिर आप कहोगे कि नहीं मुझे 9 से 11 तो इतिहास पढ़ना था, अब ऐसे तो कैसे पॉसिबल है? नहीं तो ये रखते कि भाई मुझे एक टॉपिक पढ़ना था, वो 9 से 11 काम हो गया तो कोई बात नहीं, 12 से 2 पढ़ लेंगे, कभी भी पढ़ लो, ये रहना चाहिए। बाकी कई बच्चे लोग क्या भी करते हैं, जैसे नशे का सहारा भी लेते हैं, कोई धूम्रपान करते हैं, कोई मद शराब सेवन करते हैं, पता नहीं किसी ने कह दिया इनको कि कंसंट्रेशन बनता है। अब ऐसे आर्टिफिशियल तरीकों से अगर आप अपनी एकाग्रचित्ता बना रहे हैं ना तो आप अपने शरीर को नुकसान नुकसान पहुंचा, पहुंचा क्योंकि ये कारक धीरे धीरे आपकी मेमोरी को खा जाते हैं। तो बेहतर ये है कि डेली टारगेट सेट कीजिए, उसके अनुसार चलते रहिए। पढ़ाई को क्या लाइटली किया जाता है, अगर लोड लेके करोगे ना तो शारीरिक श्रम तो लोड लेके हो जाता है, मानसिक श्रम नहीं होते। सिर पे हेलमेट पड़ा है लेकिन घर पे लड़ाई कर रहे, हेलमेट कहाँ, जल्दबाजी हो रही है इसलिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा आप सोचोगे ना तो फिर वो काम नहीं हो पाएगा। ऐसा करते ठीक है, पॉज करेगा। जैसे सर मैंने आपके टेलीग्राम पे देखा आप लाइनें अच्छी खासी लिखते रहते हैं, वो किस दौर में कैसे निकलती है? दरअसल लेखन होता है ना वो दिल से होता है, जी और बहुत ही आपने जिन चीजों को फेस किया है ना आप उन्हीं को लिखते हो। जब जब मैंने लेख लिखा है तो बहुत संभावना है कि उस स्थिति से या तो मैं गुजरा हूं जी या बच्चों की ऐसी स्थितियां मेरे सामने आई है, जी और या फिर उस स्थिति को बहुत ही निकट समय में मैंने फेस किया फेस है, किया तब मैं सोचता हूँ कि मुझे लिख लेना चाहिए। अक्सर टेंशन की स्थिति होती है या मैं खुद कभी तनाव की स्थिति में आता हूँ या फिर मैं कभी अनिर्णय की स्थिति में भी आता हूँ। देखो मैं भी ह्यूमन हूँ, सही बात हालांकि लोगों को बताता हूँ कि ऐसे करो वैसे करो, कई बार मैं खुद भी होता है। उस अनिर्णय की स्थिति में आता हूँ, तब मैं लिख लेता हूँ। कुछ लिखा है तो मेरे कई साथियों को पता है कि आज ये कुछ तो कुछ है, सकर और मैं फिर बहुत तरीके से मेरी बात को लिखने की कोशिश कर, ये मेरे एक डायरी की तरह है, जी क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अब आज इस समय जो आपके मन में विचार आए हैं ना, जरूरी नहीं कि वो 2 साल बाद वापस आप आएंगे, आएंगे नहीं तो वो विचार लिख लेने लिख चाहिए, लेने वो चाहिए अनमोल है। और फिर जब कभी आप भविष्य में लेखन का कार्य करोगे तो विचार आपको बड़ा सपोर्ट कि मैं जब 4 साल 5 साल पहले की पोस्ट पढ़ता हूँ तो कई बार हंसता भी हूँ कि मैं ऐसा भी था क्योंकि होता है ऐसा। समय के साथ व्यक्ति स्वयं को खारिज करता है, जी जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है ना तब वो उसको पास्ट को खारिज कर खारिज देता है कि करते यार हैं ये वर्जन मेरा ठीक नहीं था। ठीक है। अपन वो भी देखते हैं ना पुराना हाँ फोटो देखते हैं यार ये हाँ मैं कहना, या जबकि उस टाइम अपन लगता था कि अपन हाँ, बेस्ट हैं। फोटो तो ठीक था, मैं प्रेम भरी शायरियां लिखता था 2011 जी 12 में, अभी आजकल जी जब मेरे सामने आती तब मैं सोचता हूँ मेरा ये वर्जन भी था। और मैं मानता हूँ कि व्यक्ति को स्वयं को समय के साथ खारिज करना चाहिए। गांधी जी को पढ़ते हैं ना, इतिहास में पढ़ते हैं, गांधी जी 1920 में अलग थे, 30 में अलग थे, 40 में बिल्कुल अलग हो गए थे,
समय के साथ खारिज करेंगे तभी आप अपने आप को अपडेट कर पाएंगे, और समय के साथ अपडेट करोगे तभी आप एग्जिस्ट कर पाओगे, ये भी तय बात है। अगर हमारा फोन भी अपडेट मांगता है, सही बात, अगर आप अपने उन्हीं उसूलों पे बने रहोगे ना, मान के चलिए कि आप अपनी पतन की कथा लिख रहे हैं, तो वो लिखने का मेरा इस हिसाब से शुरू हुआ था और अभी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं मूल रूप से मान लूं तो मैं शिक्षक से अच्छा मैं एक लेखक हूँ, और मैं सच में लिखता हूँ, हम भी मानते बड़ा दिल से लिखता हूँ, कभी भी ऐसे हवा हवाई बात नहीं आती, जो बात आती बड़े मन से आती। कई बार एक बार मैं आठवीं क्लास के विदाई के फोटो के साथ मैंने एक आर्टिकल लिखा था, लिखते लिखते मैं इमोशनल हो गया था, क्योंकि आज मैंने वापस वो आर्टिकल पढ़ा, मैंने किसी बच्चे ने रील बना के डाली थी फोटो के साथ में गीत ऐड करके, कोई विदाई का गीत और ऐसे था, तो मैंने वापस पढ़ा, मैं वापस हो गया, मैंने बड़ा एकदम एक एक शब्द आपको भाव विभोर कर देता है ऐसे। तो लेखन मैं मानता हूँ कि अमर है, कुछ कार्य स्थायी पहचान देते हैं जी मरने के बाद देते, कुछ कार्य आपको तत्कालिक पहचान देते, ये शिक्षण है ना, ये तत्कालिक पहचान है, और लेखन आपकी अस्थाई पहचान है, जब तक दुनिया में आपका नाम रहेगा तो। हाँ वो रहेगा, क्योंकि आप चले जाएंगे, आपकी बोली भी बातें भी चली जाएगी, लेकिन लिखी भी जो बातें है ना कहीं नहीं जाएगी, ये कहीं नहीं जाएगी, ये सतत रहने वाली, अगर आपने ठीक लिखी है तो। तो सर जैसे अपने काफी क्वेश्चंस हो गए हैं, अपने अच्छी बात की, एक क्वेश्चन सर मैं पूछूंगा, मैं हर किसी से पूछता हूँ, आपके अनुसार सफलता क्या है, सफलता के क्या मायने हैं और असफलता के क्या क्या कारण होते हैं स्टडी के। हाँ दो प्रश्न है, देखो जहाँ तक मेरे अनुसार सफलता क्या है, तो इसको मैं दो तरीके से अभिव्यक्त करना चाहूंगा। एक तो एक सामान्य ऐसी कहावत है कि अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल और वकील के पीछे नहीं भाग रहा और पुलिस उसके पीछे नहीं हो, तो मैं मानता हूँ वो एक सफलता है, पहली बात, क्योंकि आज की तारीख में स्वास्थ्य को मेंटेन करके रखना और इन सारी समस्याओं से दूर रहना बड़ी सफलता है। दूसरा सफलता का मेरा आयाम जो है वो ये है कि अगर आप कोई भी कार्य करते हो और कार्य करके खुश हैं आप, ये बड़ी सफलता है। परीक्षा पास करके आप सफल हो रहे हैं ये गलत फहमी है, क्योंकि मैंने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की भी सुसाइड होते हुए देखी जी, और बड़े से बड़े अधिकारी अगर सुसाइड कर रहे हैं तो आप ये तो नहीं समझ सकते, कह सकते कि किसी परीक्षा को पास करना सफलता है। अगर ऐसी सफलता होती तो वो आत्महत्या नहीं करते, ये बहुत ही यूं कहिए कि वो फेज आया कि उसने अपना जीवन त्यागना सोच लिया। तो सफलता असल में वो है कि आप खुश हैं अपने काम से। मैंने मजदूरी पर करने वाले एक कमठा मजदूर को भी खुश देखा है और एक आईएएस को भी तनाव में देखा है, तब मेरे अनुसार ना सफलता के पैरामीटर बदल गए। अब पढ़ने वाला बच्चा अभी तो ये सोच रहा है कि भाई परीक्षा पास होगी तो सफलता है, लेकिन मैं बच्चों को कई बार कहता हूँ बड़ा नौकरी लगनी आसान है, करनी मुश्किल है, क्योंकि पद जो होता है ना वो बेसिकली व्यक्ति को शोभा नहीं देता, शोभा नहीं बढ़ाता, व्यक्ति व्यक्ति है वो पद की शोभा बढ़ाता है। तो आप अगर बड़े इंटरेस्ट के साथ वो काम करोगे ना, तब आपको लगेगा कि मेरा जीवन सफल है, और आपने आपके पद का उपयोग करते हुए अगर 5-10 लोगों का कल्याण किया है ना, तो जिंदगी भर आप अपने आप में सफल, आपका जीवन सफल है। नहीं तो यूं है कि नौकरी तो लाखों लोग लगते लाखों लोग करते हैं, हजारों प्रोफेसर बने, मैं अब यूं बैठा हूं ये बात कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन सफल है। मैंने मेरे देखते देखते मैंने कई बच्चों को बना दिया, मैंने कई नशेड़ियों को नशे छुड़ा दिए, मैंने कई अपराधियों को ठीक कर दिया। मेरे पास आते एक बार मेरे पास कैदी आया था जो खुली जेल का कैदी था। खुली जेल में क्या होता है, शाम को वापस अटेंडेंस देनी होती है, दिन में फ्री होता है। मैंने उससे पूरी बात करी, वो बड़ा प्रभावित था मेरे से, वो क्या खुद डायरी लिखता है करता है। मैंने कहा सर गलती तो होगी लेकिन उसको तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन भविष्य में मैं मेरी जेल डायरी तो लिख ही सकता हूँ। सही बात है। तो मुझे लगता है कि मैं अब ऐसे सफल इसलिए हूँ कि मेरी वजह से कोई ठीक हो रहा है, ठीक, इसलिए नहीं कि वो रैंकें लगी है हर जगह ऐसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, वो तो मैं भूल जाऊंगा, वो दुनिया भी भूल गई, आपको भी नहीं पता है कि मेरी रैंक क्या थी और रैंक के कारण आप मुझे यहाँ पे ले भी नहीं आए। सही बात है। तो सफलता ये है कि आप खुशी से काम कर पा रहे। अब दूसरा आपका बिंदु था असफलता के कारण क्या होते हैं। असफलता का पहला जो सबसे मुख्य कारण ये होता है ना, अगर आप वो काम कर रहे हैं जो आपको करवाया जा रहा है, आप अपने मन से नहीं कर रहे हैं, मजबूरी से कर रहे हैं। अब मान के चलिए कि आप सक्सेस होने के बाद में भी सक्सेसफुल नहीं है, सही बात। तो पहली चीज तो ये कि आपको अपने मन का कार्य करना। एक बच्चा था मुझे ठीक से याद है, बोला कि मेरे को सर नाट्य कला में जाना है।
परिवार कह रहा है कि तुझे आईएएस बनना है, अब वो कह रहा है कि मेरे को नाट्य विद्या में बड़ा अच्छा लगता है, मैं उसमें जाऊंगा। अब मैं ये कह रहा हूं अगर वो बच्चा माँ बाप की बात मान के आईएएस बन भी गया ना, तो भी वो जिंदगी में सफल नहीं नहीं है हो पाएगा। और नाट्य विद्या में वो रहा सफल वो होगा भी नहीं, क्योंकि उसकी रुचि उसमें। तो पहला कारण तो ये होता है कि जब उसको जबरदस्ती कार्य करवाया जाता है। दो, असफलता का दूसरा जो मेन कारण वो होता है कि आप अपनी रुचि से भी कर रहे हैं लेकिन अगर गलत ट्रैक पे कर रहे हैं, क्योंकि देखो रास्ता अगर सही नहीं है तो मंजिल कभी आएगी ही नहीं। तो आपको अपने एक्सपीरियंस्ड फील्ड के एक्सपीरियंस्ड लोगों से बात करनी चाहिए, उनको सुनना चाहिए, उसके बाद एक रास्ता तैयार करना चाहिए। उस रास्ते पे सही रास्ता होना बहुत जरूरी है। इसलिए कहते हैं कि देखो अनुभव जो होता है ना वो आपको दिशा दिखा देता है। आप दौड़ सकते हो जी लेकिन आपको दिशा दिखाने का कार्य एक्सपीरियंस करता है। अपने आज भी होता है ना बारात जी जाती है जो सीनियर सिटीजन है जी आगे रहते हैं, वो अगर कहते हैं कि अब इस साइड जाना, अब इस साइड जाना या गाड़ी रोकना। युवाओं को तो पता ही नहीं पता गाड़ी ही नहीं, कहाँ रोकनी है। सही बात तो है। अनुभव हमेशा दिशा दिखाता है। यौवन जो है ये दौड़ सकता है, तेज गति से भाग सकता है, दिशा सही नहीं है तो भागना व्यर्थ है। भटकते रहेगा। दूसरा कारण ये होता। तीसरा जो कारण होता है असफलता का वो ये होता है कि वो बच्चा कई बार खुद भी विश्वास नहीं करता, जी दूसरों से तुलना कर बैठता है। अच्छा असफलता यहीं से शुरू हो जाती है। मैं आपसे तुलना करूंगा तो मैं दुखी होऊंगा कि आप इतने फिट हैं मैं क्यों नहीं हूं, मैं कहूंगा कि आप इतने हेल्दी है मैं क्यों नहीं हूं। तो मेरे पास कुछ ऐसी चीजें जो आपके पास नहीं नहीं है है, सही और आपके पास कुछ ऐसी चीजें जो मेरे पास नहीं। हर व्यक्ति विशिष्ट है, शक्ल सेम हो सकती है स्वभाव सेम नहीं होते। तो जब आप सब विशिष्ट बनाए गए हैं तो आप किसी से तुलना क्यों करें? अगर आप तुलना करेंगे ना तो जिंदगी भर दुखी होने वाले हैं। सही बात। कलेक्टर कहेगा कि मैं संभागीय आयुक्त क्यों नहीं, संभागीय आयुक्त कहेगा कि मैं सेक्रेटरी क्यों नहीं, सेक्रेटरी कहेगा कि मैं कैबिनेट सेक्रेटरी क्यों नहीं, कैबिनेट सेक्रेटरी कहेगा कि काश मैं भी सीएम होता, सीएम सोच रहा है कि काश मैं भी पीएम पीएम होता, होता। पीएम अपने नए दर्द में। तो इसलिए ऐसी जो है वो ठीक है, ठीक है। तुलना नहीं करनी चाहिए मैं ये मानता हूं। बस तुलना शुरू होते ही आप असफल होना शुरू हो जाते, आपकी पूरी एनर्जी, वो कहते हैं ना हारने वाला जो होता है वो जीतने वाले पे नजर रखता है, जीतने वाला टारगेट पे नजर टारगेट रखता है, फर्क इतना ही आता है बस। इन चीजों से अगर बच जाता है तो व्यक्ति 1-2 साल में आराम से सफल हो जाता है और जीवन में वापस मुड़ ही नहीं मोड़ सकता। जाता। परीक्षा पास करना सफलता मानते हैं बड़ी संकीर्ण सोच है, क्योंकि मैंने ऐसे अनपढ़ लोगों को भारत में साम्राज्य करते हुए देखा है। सचिन कौन सा पढ़े लिखे लोग व्यक्ति है, विराट कोहली कौन से पढ़े लिखे सही हैं, है। और ये जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इनके पास कोई बड़ी एजुकेशन थोड़ी ना है, नहीं है। मेरे जितनी एजुकेशन इनके पास भी नहीं। और आप वो देख लो, आप देश की जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान बहुत देते हैं, देश के टैक्सेस एंड रेवेन्यू में वो सबसे बड़ा योगदान देते हैं, एजुकेशन पे थोड़ी दे रहे हैं, वो अपनी स्किल से दे रहे हैं। तो वो सफलता के जो मायने हैं ना मेरे अनुसार ये रहते हैं कि भाई आप अपनी मन रुचि से कार्य कर रहे हैं, और असफलता के कारण ये होते हैं कि आपको जबरदस्ती कार्य करवाया जा रहा है और आप भी मोहरे बने हुए हो। पर कहीं अभी अभी भी अपने जो समाज है ना, अपना समाज है या इस साइड के जो गांव वगैरह है, मारवाड़ में आप थोड़ा ये वाला दखिया काफी हो जो, सकते क्यों अभी भी सबसे पहले बंदे को पूछते हैं उसकी नौकरी के पीछे, हैं, बीएड भला नहीं ही वो किया काम तो। कितना अच्छा कर रहा हो, किसी में क्या कर रहा हो, कि कहीं करेगा नौकरी लागू है तो ना नौकरी साझे को लागू है, कि उम्र की 30 साल हुआ जो नौकरी कौन लागी, तो भी मेरा करेगा मेरा छोटा भाई IIIT करके सैमसंग में लगा जी। और ठीक ठाक पैकेज था। तो गांव में मैंने फेसबुक पे लिखा कि भाई मेरे भाई की है पैकेज वो मिला पैकेज हाँ, मिला ये वो, तो फिर सबने पूछा कि गवर्नमेंट है तो कि नहीं, तो तो बस ठीक ये वर्ड मैं कह रहा हूं है। ना, ये और मेरा आज भाई कहता भाई तो IIIT भाई झूठ होगी बोल किसी काम क्यों। की नहीं मतलब मैं अगर 4th ग्रेड बन जाऊं ना तो समाज की दृष्टि सोशल प्रेस्टीज है वही वो। तो ये थोड़े हैं मानक हैं, ठीक हो भाई, जाएंगे समय के साथ, ठीक होंगे। समय के साथ ठीक होंगे, पर लोगों की मेंटेलिटी कह रहा हूँ अब ना मेंटेलिटी देखो, बहुत अब की जनरेशन है ना ये जब बड़ी बड़ी होगी होगी। वृद्ध हाँ होगी, तब हम लोग जब वृद्ध होंगे ना तब अपने तब तक ये पास चीजें सही ठीक हो हो जाएगी, जाएगी। वरना अभी तक तो भाई साहब नौकरी को प्रायोरिटी, पहले नौकरी है, अभी तो बेरोजगार व्यक्ति को ऐसे देखा जाता है जैसे कोई जुल्म करके आया, जुलम करके आया। फेल हुआ है तो उसको ऐसे देखा जाता है कि जिंदगी भर ये पूरे साल है वो गलत काम ही करता है इसलिए पहलू फेल हुआ है। है, अब कोई तो फेल भी होगा ना, 99% फेल ही कभी होने हैं। किस्मत होती है, कैसे हाँ होती है भाई। एक हाँ सर, इससे मेरे को चीज याद आई, एक क्वेश्चन मेरा और था, ठीक है ना, ये बेसिक है। जब अपन पेपर देने जाते हैं बच्चा एक, ठीक है ना, जैसे मेरा फर्स्ट टाइम मैं देने गया था, मेरा खुद का बता रहा हूँ, जब मेरा तैयारी फुल थी, सब कुछ था भाई, मैं अच्छे से इसको क्लियर कर दूंगा, जब एग्जाम देने बैठा मैं, इतना नर्वस हो गया मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया।
वो सर चीजें जैसे आपने भी कभी फील की होगी वो चीजें, बिल्कुल होती ठीक है ना, तो सर इससे चीजों से कैसे निकले, एक बार दो बार तीन बार इससे होता है। मैंने फर्स्ट एग्जाम दिया था जैसे स्टेनोग्राफी करता था मैं, ठीक है, जिसमें क्या वो माइक में बोलते हैं और अपन को लिखना होता है। हाँ बिल्कुल मेरी फुल तैयारी थी, जब बैठा उन्होंने माइक में स्टार्ट किया मैं एकदम से नर्वस हो गया, कैसे लिखना है क्या, फर्स्ट टाइम एग्जाम था, पूरा मेरा गड़बड़ वहां हो गई। मेरे साथ भी हुआ था। मैं जी एसएससी मैट्रिक का परीक्षा पास करके टाइप जी टेस्ट देने गया था। जी पहले टाइप टेस्ट के लिए आपको ये मशीन ले जानी पड़ती थी, जी ये कोर्ट में आने, टाइपराइटर, कंप्यूटर नहीं था, टाइपराइटर टाइपराइटर। था। तो मैं वहां गया, मेरे को लेख दिया गया, तो मैंने लिखना शुरू किया तो मेरे वो फंस गया। तो मैंने उसको कहा, मैंने भाई साहब उसको ठीक कर दो, ठीक भी आपको करना है, जी जी हम नहीं करेंगे। मैं नर्वस हो गया, मेरा मैं बस वहां फेल हो गया। लोगों। तो देखो, नर्वसनेस के पीछे दो मेन कारण होते हैं। जी पहला कारण ये होता है कि हम खुद ओवर एक्सपेक्टेशंस के साथ जाते हैं। जी जब हम अपने से बहुत ज्यादा उम्मीदें लेके जाएंगे ना, तो नर्वस होंगे। जी मैं मेरे स्टूडेंट को कहता हूँ, ना उम्मीदी के साथ जाइए, बस सिलेक्शन तो होना नहीं, खेल के आना है देख क्या है। बस। कभी भी किसी भी चीज से उम्मीद रखनी नहीं, बिल्कुल ना उम्मीदी से जाइए, लेकिन तैयारी भरपूर कीजिए। क्योंकि ना उम्मीदी से व्यक्ति बड़ा बेपरवाह होकर काम करता है। देखो बहुत अधिक एक्सपेक्टेशंस लेके जाओगे तो उसके बोझ के तले आप इतने दब दब जाओगे जाओ कि आपकी रियल परफॉर्मेंस कभी बाहर नहीं बाहर आएगी, नहीं आएगी। कभी बाहर नहीं आएगी। एक तो कारण ये होता है। दूसरा कारण ये होता है कि कई बार तैयारी भी इतनी ठोस होती नहीं है, जी या रिवीजन के अभाव होते हैं, या फिर अभ्यास नहीं किया हुआ होता है। तो ऐसी चीजों में कहीं कमजोरी रहेगी ना, तो अंदर से अपने आप ही वो कॉन्फिडेंस डर लो हो रहता जाता है। है। ये जी चीजें रहती है इसमें। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमको समय दिया, शुक्रिया, बातचीत करके बहुत अच्छा लगा सर आपने आपसे बातचीत सब। करके मुझे भी बहुत अच्छा जी लगा, सर काफी सारी चीजें साझा करने का अवसर मिला। जी अच्छा प्लेटफॉर्म, और आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जी सर थैंक यू। और इस प्लेटफॉर्म पे और अच्छे अच्छे लोगों को लाइए, जरूर सर, और उनके जो एक प्रीसियस जो अनुभव मनोरंजन है जी वो युवाओं लोग, तक पहुंचाइए। जरूर सर, ये नेक कार्य के लिए मैं आपको बहुत सारी ढेर सारी जरूर सर, शुभकामनाएं आपका देता आशीर्वाद हूँ। बना रहता हूँ सर, जरूर एकदम। जी ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने वीडियो देखा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, बाकी सर को सब जानते हैं, सर का चैनल वगैरह, उसका प्रमोट मैं क्या ही करूँ। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन में सर के लिंक वगैरह सब होंगे, सर के इंस्टा यूट्यूब वगैरह सब के लिंक उसमें होंगे, आप वहाँ से जाके सर को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पुनः धन्यवाद आपका।